बस कायद आज़म के एहसान के अज वरी गाइंदी सब का पे त असा तरफा तुम सभी के ऐसा टीवी स्क्रीन से जिनकी दीद है डेह में आयो परडेह में आयो जी भी पाकिस्तानी आयो सभी के इर्शाद जागीरानी सहरिश भुट्टो तरफा जश्न आज़ादी जो तमाम घड़ी वाधाई हो जाने अज खुशी जो ढी है अज जो जज्बो है जो जोश है वो बीणो ठीणो इन के भी है छो तो पा अजो के ढीते आज़ाद थियासी जी वक्त जो अस मिली नगम बुधोसी उनमें कायद आज़म की गाल हुई कायद आज़म के एहसान की गाल हुई तो उन एहसान है अल्लाह ताला जो एहसान भी है मेहरबानी उन असुल वो कायद आज़म की बदौलत अस प्यारो ही पाकिस्तान मिलो अजो सुकून खबर अ केडो मज़ेदार ही सुकून है जो अस आज़ाद थी करे तसो इतने पाकिस्तान में जी भी मजहब वा मू रहन था जै भी फिरके वा मू रहन था हर कें आज़ादी आ मुसलमान है तो मस्जिद में आज़ादी से वही सके तो मज़े से वही सके तो जैसे हिंदू है तो पैं मंदिर में आसानी से वही सके तो जैसे क्रिश्चन है तो पैं चर्च में आसानी से वही सके तो उनके का भी दुखियाई ना का रोक टोक ना का पाबंदी ना हर मू पे गिरजाघर में मस्जिद में इबादत गाहों में आराम से आज़ादी से वही सके तो आज़ादी से साह खूँ था इन कड़ी गाल थे तो पा लेट नाइट तीन जैसे मुल्क में घुमूँ था तो पा को रोकने वो ना को टोकने वो ना बबा एडे काडे तो वे छो घुमे तो पो सो यो है आज़ाद मुल्क असो प्यारो पाकिस्तान आज़ादी वही नेमत है आज़ाद फिजाओं में तुम असा कर खो अस आज़ाद मुल्क में जन्म वरतो है असा जी तलीम दिनी वही जी अस तरबियत वरती है उन में असा फील महसूस है तो वाकई में भी जैसे अस उन जमाने में जैसे पाकिस्तान आज़ाद थो पे तो इलाही दुखियाई पेश आयु न इलाही मुश्किल ही पाकिस्तान असा मिलो जड़े नमूने से कायद आज़म साहब डायलॉग्स क्या जड़े नमूने से अलामा इकबाल साहब जो ख्वाब हो वो पूरा थो पा इंग्लिस्तान का आज़ाद थियासी पा पे समझो तो गडल सुरल इंग्लिस्तान हो पाकिस्तान पा आज़ाद थियासी अजो के ढीह के योम इस्तकलाल भी चयो वो अजो के ढीह से जो जोश खरोश है खास तौर से दारुल हुकूमत की जैसे पा गल इस्लामाबाद में जी वही तकरीब थी है वह तकरीब भी तुम टीवी स्क्रीन से ठी सदर पाकिस्तान कौमी झंडे के फड़को वजीर अजम साहब जहाँ पैगाम अची वह उन्होंने भी जो चवण है जो अज़म है जहाँ हिम्मत ए जज्बे दियण की गाल इमरान खान साहब की होंगी है हमेशा उ जज्बे वाली गाल वरी भी पा बुधीसी पान के वजीर अजम जो भी साथ दियण है पान के मुल्क के तरक्की वठण में पो किरदार अदा करो है हि जो चरागा थे पो मुख्तलिफ़ सरकारी इमारतों से तुम ठो पे अगस्त का वही यो सर शुरू थी वो सरकारी इमारतों से चरागा कई वी स्कूलन में तकरीबू थन्दून आम जी रिवाजी तकरीबन का हटी कर तकरीब के थोड़ा स्पेशल किया पर अजो के दिहाड़े अगर किथे भी तक मतलब यो फील थे ताँ के इन आज़ादी की अगर महसूस करो आड़े लम्हे लाए कश्मीर जो सोचो असत आयो अल्लाह सही का यही दुआ है अल्लाह करे कश्मीर भी आज़ाद थी वन सुकून की जिंदगी सब गुजारन पर अस उन सब खुश नसीब आयो खुश नसीब आयो जो इतनी मजे से जिंदगी गुजारूँ यानी जबरदस्त गाली पर हिंसर जो पा ओवरऑल गाल तो पा थोड़ा लॉकडाउन में ही अच्छी फाथासी लॉकडाउन में घर में मूल रहे तो वही माना आज़ादी ये खड़ी चुन तो पा जो पा कैद रखू था वह वही गाल पा किथे था रही सूँ किथे बहर ना निकरूँ सा वो सा अचे तो पर अड़ी आज़ादी जो बहर निकरण से तक कुछ भी न चवे माना आज़ादी अड़ी हुई या खी चूँ तो आज़ादी जैसे न हुई तो पा भव पे न बहर निकरण हाँ। कश्मीर की तरह की बहर निकरण अल कें गोली जो खाज न थी वनूँ अल बदजी न वनूँ अलाये पर पा आज़ाद फिजाओं में साह खूँ था अमन अमान की सूरत पाकिस्तान में तमाम घड़ी बेहतरीन थी वही है अजो के ढीह गुजारिश सिर्फ यहाँ कदस तो हि जो आज़ादी जो दिहाड़ो आयो है यो मुहर्रम में अची वो मुहर्रम हराम जो पा के इतराम करो इमाम की कुर्बानी के भी याद करो पा पाकिस्तान भी कुर्बानी से वरतो पर जी असुल कुर्बानी करबला जो उन पा फोकस कंदी थोड़ा उनते भी ध्यान दींदी ए बीड़ी गुजारिश क्या तो गुजारिश यहाँ क्या तो अजो के ढीते हूँ ओवरऑल पा ऐसा आयो तो अजो के ढीह के नौजवान हैं उ सीव्यू साइड वेंदन या मुख्तलिफ़ जगह टोला ठाए कर मोटरसाइकिल जहाँ साइलेंसर कड़ी कर थोड़ी तफरी आज़ादी के भरपूर नमूने से मिलाई इन भेरे इन भेरे तक गुजारिश क्यों था आज़ादी के थोड़ा सादगी से मिलाए छो तो मुहर्रम जो पा के इतराम करो आज़ादी के भी सेलिब्रेट करो इतने वूँ था एक नंढी साई
इन 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 ते पाण पोइ वरी कचहरी कयूं था। सो असांखे तैयबा शाह ॾाढो सुठो मिली नगमो ॿुधायो। सभ खां पहिरियां त ब्रेक ते वञण खां अॻु में उनजी महिरबानी मञूं था। तैयबा बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई, आपका आज पेपर भी है, आपको जाना भी है कहीं पर, तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। ॿिया मौजूद महिमान जेके आहिनि उहे टीवी स्क्रीन तव्हांखे नज़र त अची विया आहिनि, पर उन्हनि सां कचहरी कंदासीं। ख़ुलासी कचहरी थींदी हिन ब्रेक खां पोइ, ॾिसाई वठूं था। जी बिल्कुलु, बसि थोरी देरि जो इंतज़ारु आहे। केॾा नवनि जो ॾिसंदा रहो। सलाम। जी सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। आज़ादी जो ॾींहुं आहे, ख़ुशीअ जो ॾींहुं आहे, ख़ुशियुनि में तव्हां ऐं असां गॾु शरीक आहियूं। पाकिस्तान खे आज़ादु थिए काफ़ी अरसो गुज़री चुको आहे। हिन अरसे में पाकिस्तान कीअं आहे, कहिड़े तरीक़े सां तरक़ी करे पियो, पाण छा विञायो ऐं छा असां हासिलु कयो, इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। पर इन खां पहिरियां असां ॿुधायूं त जेका असांजी नेशनल टी आहे, जेका चांहि आहे, जेका पाकिस्तान में पसंदि कई वञे थी ऐं ख़ासतौर ते 23 मुल्कनि में उनखे पसंदि कयो वञे थो, उहा चांहि आहे टपाल दानेदार। दानेदार चांहि ॾाढी ज़बरदस्त चांहि आहे सर शाईं। पाकिस्तान खां अलावा ॿियनि मुल्कनि में हिनखे पसंदि कयो वञे थो, इहा वॾी ॻाल्हि आहे। ऐं जेकी ख़ासि बाग आहिनि न, जिन मां ख़ासि पतियूं हीअं चूंडे करे ऐं उन्हनि मां हीअ चांहि ठहे थी, पती ठहे थी टपाल दानेदार जी, ॾाढी सुठी चांहि आहे, पीअण में ॾाढी भली आहे। ऐं हिन चांहि जी क्वालिटी आहे त पाकिस्तान में रहंदड़ सभिनी माण्हुनि जे ज़ाइके जी हिनखे ख़बर आहे, परूड़ आहे। तंहिंजे करे हिन में जेका ॻाल्हि आहे, जेका क्वालिटी आहे, हर माण्हू खे पंहिंजो ज़ाइको लॻंदो आहे, पंहिंजी मनपसंदि चांहि लॻंदी आहे। ऐं इनजे करे ई हिनखे चवंदा आहिनि, यानी टपाल दानेदार खे चवंदा आहिनि, पाकिस्तान जी जेका आहे सा नेशनल टी, माना पाकिस्तान जी ख़ासि जेका चांहि आहे उहा आहे टपाल दानेदार। न सिर्फ़ु नौजवान बल्कि पका पोड़ा सभई हिन चांहि खे पसंदि कंदा आहिनि। ऑफिस में कॾहिं कॾहिं थकु थींदो आहे त पोइ मां बि चांहि पीअंदो आहियां टपाल दानेदार जी। टपाल दानेदार ॾाढी ज़बरदस्त चांहि आहे ऐं टपाल दानेदार सां गॾु छो न पाण आज़ादीअ जी ख़ुशीअ खे ॿीणो कयूं। टपाल दानेदार हुजे ऐं आज़ादी हुजे, गॾो गॾु हुजे, त पोइ छा ॻाल्हि कजे, ईअं न सरीश? बिल्कुलु, त पोइ थी वञे तूं मां ऐं हिकु कप टपाल दानेदार जी चांहि। वाह वाह वाह, तूं मां हिकु कप टपाल दानेदार जी चांहि, ॾाढो सुठो तव्हां चयो। पर मौज़ महिमान में टपाल दानेदार जी चांहि पीअंदा ऐं उन्हनि खे पीआईंदासीं, आज़ादीअ जी ख़ुशीअ खे ॿीणो कंदासीं। चांहि लाज़िम आहे, चांहि ॾाढी ज़बरदस्त हूंदी आहे टपाल दानेदार जी। मौज़ महिमान आयल आहिनि त पोइ मौज़ महिमान जी भली केॾी बि ख़ासियत वारा कयूं, केक बि कढींदासीं आज़ादी वारी, पर केक सां गॾु टपाल दानेदार जी चांहि हूंदी त पोइ अञा वॾो मज़ो थी वेंदो। टपाल दानेदार जी चांहि जो ख़ुशबू जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं त उनजी पंहिंजी आहे, ज़ाइको हुनजो पंहिंजो आहे। टपाल दानेदार जी हिकिड़ी ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि इहा आहे सरिश्त, जिते बि पचंदी आहे त पोइ उहा जेका जेको वास आहे, जेका ख़ुशबू आहे, उहा अची वेंदी आहे, माण्हू ख़बर पइजी वेंदी आहे, ताईं फैलिजी वेंदी आहे ऐं हर कोई सम्झी वेंदो आहे त इन घर में चांहि ठहे थी टपाल दानेदार जी। ऐं जंहिंजी तलब न बि हुजे त उनजी बि तलब थी वेंदी आहे त यार असांखे हाणे त चांहि पीअणी आहे, हाणे चांहि घुरिजे थी। सो ॾाढी ज़बरदस्त जेके ख़ुशबू आहे जेका तव्हांखे पंहिंजी तरफ़ अट्रैक्ट करे थी, हिकु फ्रेश जेके ॿूटो आहे चांहि जो, उहो जॾहिं पतियूं चूंडे करे ऐं उन मां चांहि असांजे अॻियां पेश कई वई आहे, जेका नेशनल चांहि चयो वेंदो आहे पाकिस्तान जी, मतिलबु असांजी हिकु सुञाणप बि आहे त चांहि त आई आहे। सो ऐं उन में असांखे जेको आहे तावन कयो आहे टपाल दानेदार वारनि, सो असां बि चांहि पियो, तव्हां बि चांहि पियो, असांजे महिमान बि असां शौक़ीन आहिनि, उन्हनि जो अंदाज़ अलॻि आहे, पर उन्हनि अलॻि अंदाज़ अलॻि माण्हुनि जे लाइ सभिनी जे लाइ टपाल दानेदार असां रिकमेंड कयूं था। टपाल दानेदार पीओ भरपूर ज़िंदगी जो, टपाल दानेदार सां गॾु आज़ादीअ जो मज़ो वठो त तव्हांखे आज़ादी छा हूंदी आहे। मौज़ महिमान असां गॾु आहिनि, आज़ादी ते अॼु ॻाल्हाईंदासीं। आज़ादी पाण खे आहे, इहा ज़ाहिरी आज़ादी आहे या वाक़ई में बि असीं आज़ादु आहियूं, इहो बि सुवाल माण्हू जे ज़हन में ईंदो आहे। इन्हनि मुख़्तलिफ़ सुवालनि जा जवाब ॾियण जे लाइ मौज़ महिमाननि खे बि घुरायो आहे, पंहिंजी पंहिंजी राय ॾींदा, पंहिंजो पंहिंजो तज़ुर्बो ॾींदा त पाण इन्हनि एतिरनि सालनि में पाकिस्तान खे किथे पहुचायो आहे, उनखे मज़बूत कयो आहे, उनखे मुस्तहकम कयो आहे, पंहिंजी मईशत, पंहिंजी इकोनॉमी उहा किथे पहुतल आहे, पाण ॿियनि मुल्कनि जी भेट में सुधरियल मुल्क लेखिया वञूं था या नथा लेखिया वञूं, पाकिस्तान आज़ादु आहे, इहा ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। पर इन आज़ादी जो भरम कीअं रखिणो आहे पाण खे, इन आज़ादी खे ता क़यामत कीअं रखिणो आहे, इन आज़ादी खे मुस्तक़िल कीअं रखिणो आहे, इन ते पाण डिस्कस कंदासीं। ऐं इन ख़ासि नेमत जी पाण खे हिफ़ाज़त कीअं करणी आहे, इन ते पाण डिस्कस कंदासीं। मौज़ महिमान असां सां गॾु आहिनि, पहिरियों जेको महिमान तव्हां सां मिलाइण वारो आहियां, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां उनजो तालुक़ु आहे, मुख़्तलिफ़ मामलनि ते गहरी नज़र रखनि था, गहरी ॼाण ॾींदा आहिनि, तज़ियो ॾाढो सुठो कंदा आहिनि। अॼु पार्टी जे हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासीं ऐं ओवरऑल पाकिस्तान में जेकी बि पार्टियूं आहिनि, पाकिस्तान त सभिनी जो आहे न, पाकिस्तान जी तरक़ी लाइ सभु पार्टियूं पंहिंजी पंहिंजी जॻह ते कोशिशूं कनि पियूं। पीपल्स पार्टी जो असांजो साथी असां सां गॾु आहे नईम आवाण साहिबु, उनखे भलीकार चऊं था। अस्सलामु अलैकुम नईम भाई। अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, सबसे पहले जश्न आज़ादी मुबारक। आपको भी मेरी तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, पहली से पंजाब, काफ से कश्मीर, सीन से सिंध,
तेलिफ नूनतान बलोचिस्तान, ये बना खूबसूरत पाकिस्तान, सबको जश्न आज़ादी मुबारक। वाह 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 सर, ये बहुत अच्छी मुबारकबाद दी आपने, और ये पता चला हमें कि पाकिस्तान बना कैसे, मतलब किन किन स्टाइल जो बताने का था ना वो बहुत अच्छा था। अच्छा बात करते हैं नईम भाई आपसे भी थोड़ी देर में, बो जो मौजूद में माना संगडा है वो माशाला थिएटर की दुनिया हो चाहे एक्टिंग की दुनिया हो चाहे या सोशल दुनिया हो चाहे, उन सभी में पाँचों पाँचों किरदार अदा करे तो खास जो उन सुप है जो उनको स्टाइल है जो अंदाज है जो चेहरों है वह जी खी चूं तो स्टाइल अंदाज जो चेहरों है वो हूबहू असें शहनशाह जज्बात फिल्म स्टार मोहम्मद अली वांगुर मिलन है तो मू अज भी जैसे उन प्यार कहें मिलंदा तो उस्ताद पानी खी चूं तो खान साहब पानी खी चूं शहनशाह जज्बात सब नाला पा मोहम्मद अली साहब से भेंट दींदा सो अज असि कचहरी जो हिस्सों है आज़ादी से भी ऐं मुख्तलिफ बया मामला भी जेर बेस इंदा सो भलीकार चूं था राहत अली भाई के। अस्सलाम वालेकुम राहत भाई जी, वालेकुम कैसे हैं? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो, और 74वां जश्न आज़ादी है, और इसी के साथ साथ मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से अपने पाक आर्मी को भी सलाम पेश करना चाहता हूँ और अपनी पुलिस को भी सलाम पेश करना। माशाल्लाह माशाल्लाह वालेकुम सलाम, सब तक हमारा सलाम पहुँच गया, खास तौर से असा भी तह दिल से सल्यूट पेश क्यों था छो तो पाक आर्मी खास तौर से असाजे मुल्क की जका हिफाजत है जड़े नमूने से बॉर्डर्स से बीठा आज़ादी की यह गाल भी इन गंढींदा हलूँ तो जो गाल कई सवेर तो मुस्तकिल इन आज़ादी की कें रखे मजबूत पा किसी तो उनमें पाक फौज के जवान जो किरदार है जी मोर्चन से बीह कर जी बॉर्डर्स से बीह कर डी रात से जागन था उजागर कन था असा सुकून ही निंड सुनूँ था यो सबब यो है तो हू जागन था असा सुनूँ था पाक फौज के भी असा तरफा सल्यूट पेश कजे तो सलाम पेश कजे तो अगत बदूँ था अस वे ये खड़ी चूं तो सुठे आवाज़ की सिंगर पे है सुठो आवाज़ रखंदड़ असा सा न्याणी भी गड है उनके भी थोड़ी देर में उनका मिली नगम बुधासी उस्ताद मोहरम नाज भी असा गड है तो उस्ताद मोहरम नाज के भलीकार चाहूँ उस्ताद कि ठीक है जबरदस्त जश्न आज़ादी तक सभी मेहमान के बल्कि पूरे पाकिस्तान के सभी दुआगू भी आयूँ अल्लाह का हमेशा खैर जी योग। वाह वाह वाह। अच्छा नहीं भाई स्टार्ट करते हैं इस बार से, उसके बाद तो आते हैं कि पाकिस्तान ने इस इतने सालों में क्या खोया क्या पाया, लेकिन बचपन की थोड़ी सी याद हो जाए। आज के दिन पे स्कूल जाया करते थे हम, तकरीब हुआ करती थी, आखिर में मिठाई बांटी जाती थी, याद आती तो वो दिन और ये दिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या लग रहा है? वो बड़े हसीन दिन थे, बड़े खूबसूरत दिन थे, और एक वक्त था जो वक्त गुजर जाए फिर बाद में अफसोस रहता है उस वक्त का। एक स्कूल में कंपटीशन होते थे, मुकाबले होते थे, और हमेशा कंपटीशन के अंदर कोशिश ये होती थी कि मैं मॉनिटर भी था, सही सही, और मॉनिटर की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, और वो होता ही है कि सारी जिम्मेदारी उस पर डाल दी जाती है कि क्लास रूम को भी सेट रखना है, और जो लोग चीजें जिनको जो मैनेज करने के लिए दी है उनको भी सब कुछ साथ लेके चलना है। सही सही सही। तो वो ड्राइंग वाले मामला होते थे या मिली नगमे खासतौर पे दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान ऐसी जमीन और आसमान, तो काफी दफा कंपटीशन लिया अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अच्छे से जो है वो कंपटीशन सक्सेस हुए, और अपना जो स्कूल का टाइम था बड़े अच्छे से वक्त गुजार लिया। वाह 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 क्या कहने, और उस्तादों की कदर की क्योंकि उस्तादों का जो रुकता है वो अल्लाह पाक ने बाप समान दिया। बाप जो है वो अगर बात करूँ बुनियादी तालीम तो घर से होती है, लेकिन उसके बाद अगर दुनियाई तालीम है दीनी तालीम है वो आपको स्कूल से फिर आपके मदरसों से सही, सही हर उस जगह से जहाँ से इल्म हासिल कर सकते हो, बल्कि सरकार दो आलम नबी पाकिस्तान का इरशाद नबी भी है तालीम हासिल करो ख्वाह तुम इसके लिए चीनी क्यों ना जाना पड़े। हम तो स्कूल तक गए चीन नहीं जा सके सर चीन भी जाएंगे इंशाल्लाह किसी दिन जाएंगे, हालात ठीक हो जाए ये कोरोना वगैरह चले जाए तो फिर चले जाएंगे। अच्छा सर इस्ता पाण में थोड़ी कचहरी क्यों पा मुझे नंढपण के सारा तो ढी सुी याद है तो मैं भी तकरीर मुकाबले में सो वे आज़ादी की तकरीर तो शान शान तरीके से कह मोकल जो ढड़ो हों 14 अगस्त पर भी वेंदी सीधी संभरी है ये जो ड्रेस पातल है मुझे वो थोड़ी साइज में नंढी होंगी पा ना हूँ पर ये अड़े किस्म की ड्रेस पाए जैसे स्कूल पहुंचासी तकरी मुकाबला थींदा हुआ टेबलोज पेश थींदा हुआ वरी आखिर में उस्ताद ने तरफा हर कें स्कूल जो पंजो स्टाइल हो शायद तहां जे स्कूल में ये नथिन हो जे पर मुझे स्कूल में पोए थींदो इयो तो आखिर में जका मिठाई विराई वेंदी वो डाढ़ी जबरदस्त शानदार मिठाई नुक्ती विराई वेंदी नुक्ती नुक्ती संगर बारन के असा नड़ा नड़ा बुक जले दींदा सी नुक्ती संगर जो है रस्ते में खाइंदा आंदी खबर पवी पाकिस्तानी आज़ादी का ॾियाड़ो है पाकिस्तानी आज़ादी के हवाले से तमाम घड़ी जान उ भी किताबन में मिली है पर उन ढीते वे अब जोश है जज्बे से पा खबर है छो जो वो असा इं फील कह ईद जो ढी हों खुशी जो ढी हों मुख्य भी याद नंढा नंढा हुआसे नंढा नंढा ग्रीन कलर जहा वाइट कलर जो फ्रॉक ठाराए कर नंढी नंढी पौनियो ग्रीन कलर जो ये पाए कर तैयार थी करते पहुँचा हुआसे
ऐं टेबलो हमेशह नंढे हूंदे खां स्टेज ते मतिलबु मां टेबलो वग़ैरह कुझु न कुझु या स्पीच वग़ैरह कंदी ई कंदी हुयसि. एंड में जॾहिं असां लहंदासीं उते हिकिड़ो बुकेट ॾींदा हुआ फ्लावर्स, हुन में गिफ्ट वग़ैरह ऐं अलॻि सां हिकिड़ी मिठाई हूंदी मोती चूर जेको जेको लॾो हूंदो उहो हुन में हूंदो हुयो. वॾो टेस्टी हूंदो हुयो. वाह वाह. चवण जो मक़सदु इहो आहे त भली हूअं स्कूल जूं ॿियूं जेकी बि तकरीबूं थियनि उनमें हिसो वठे न वठे माण्हू, पर 14 अगस्त ते हर ॿार ईंदो हुयो. सो राज भाई, आपकी बचपन की कुछ यादें हो जाएं, आपके ज़माने में सेलिब्रेट कैसे होता था ये आज़ादी का दिन? जी बिल्कुल, या आज़ादी से पहले के हैं आप? अच्छा अच्छा जो लेकिन जैसे अभी नईम भाई ने बताया बचपन की यादें जो होती हैं वो तो खैर होती कमाल है, लेकिन जहाँ तक हम भी मॉनिटर थे अपने उसमें, और वो झंडियां लगाना और वो गलियों में झंडियां गलियों वो में जो एक जज्बा था. लेकिन पता क्या, जश्न आजादी एक ऐसी चीज है उससे बचपन का कोई ताल्लुक नहीं है. बचपन में ले लें या अभी आप जवानी में ले लें या बुढ़ापे में ले लें, वो जज्बा एक सा रहता है. और ये बहुत बड़ी बात है कि मुल्क के लिए जज्बा बचपन से लेके बुढ़ापे तक एक जैसा रहता. सही सही बात. तो मैं समझता हूँ ये बड़े आजाद. सही सही बात है. यह बड़ी गाल है. तो पा जी सियासी मामलों से भी थोड़ी गाल क्यों ना नईम साहब को थोड़ी देर में पूछा कर भले कहिड़ी बि पार्टी हुजे, पर जॾहिं पाकिस्तान जी ॻाल्हि ईंदी आहे न, पोइ सभु हिकु मेज़ ते अची वेंदा आहिनि ऐं चवंदा आहिनि पाकिस्तान ते ॻाल्हि आई आहे त पोइ हाणे ॿिए मुल्क खे असां ईअं करे ॾेखारींदा आहियूं ॻाल्हि आहे सिंधी. सो इहो जज़्बो ॾाढो ज़बरदस्त आहे ऐं हिन जज़्बे तहत ई असांखे तव्हांखे अॻिते ज़िंदगी गुज़ारणी आहे. इहो जज़्बो जवान रहे सदाई. पाण माण्हू भले झूनो थी वञे, जज़्बा जवान हुअणु चाहिए. राज भाई, जज़्बा हमेशह जवान हुअणु. अच्छा, जब अली भाई थोरो सा बीच में ऐड कर दूं, अगरि फ़र्ज़ु कजे की आप अली भाई से पूछते तो अली भाई कैसे कहते, वो दरअसल मैं बताना चाह रहा था आपको. तो वो कहते बेटा जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक. तो आपको सर जश्न आज़ादी आपको भी मुबारक हो. बहुत शुक्रिया चंदा, बहुत शुक्रिया. अच्छा, वो चंदा जुमला ज्यादा चंदा जुमला उनका, ये प्यार का जुमला था. मतलब जैसे प्यार में कोई किसी को बुलाता है, किसी का नाम नहीं आता तो चंदा बुला लेते थे, ये बात है. अच्छा भाई, वैसे ये देखें, ये हकीकत है कि मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हूँ लेकिन मैं पाबंद हूँ, लेकिन मैं जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा ना एक आज़ादी महसूस करूँगा. बिल्कुल हमारा ऐसे ही मुल्क है कि हम जब कहीं जाते हैं तो वो आज़ादी नहीं होती, लेकिन जब हम पाकिस्तान में कदम रखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने अब सांस लिया. सही मान. सही बात है. सही हम महफूज हैं यहाँ पे. अच्छा एक बात रात भाई, एक बात ये भी है कि पाकिस्तान में रहते हुए मसाइल का शिकार तो हर बंदा है, लेकिन ये मसला वो मसला बिजली गैस पानी ये अलग मसला है. बिल्कुल. किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं वहाँ पर सारी सहूलियात होती हैं, बड़ा मज़ा भी आता है, लेकिन फिर भी जब अपने देश में आते हैं खुशबू ही अलग है. ये कहने वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ की बात अलग है. एक तो होता है ना जी प्रोग्राम में बैठ के कह दिया कि नहीं वो लफ्ज़ बलफ़ मिला रहे, नहीं ऐसा नहीं है, इसकी खुशबू ही अलग है. माशाल्लाह माशाल्लाह. तो मिली नगमा एक सुन लेते हैं, मिलके सुन लेते हैं. मिली नगमा मिलकर सुन लेते हैं. जी बेटा सुना दे. की मिट्टी गवाह रहना,
वतन की मट्टी अजीम है तू अजीम तर हम बना रहे हैं यह सटाडी जबरदस्त अजीम तर बनाए रहे हैं बनाईंदा रहंदा सी वतन अजीज के सोजो को प्रोग्राम ता तक पहुंचाने में टपाल दानेदार वरन जो साथ पे आए जेडी तरीके सा पाकिस्तान 1947 में आजाद थियो उन वक्त का वठी टपाल दानेदार जो आगाज थियो यह गाल ता बुदाए यह वरी गाल ता खबर न हुई सुन नडी साई जो वक्त के थियो है सो पा नडी साई वठूं ता सरिश पमोडी जी बिल्कुल आए मजेदार कचेरी भी आए इंफॉर्मेशन भी मिलंदी ता अगते छा थणो आए की कम थिंदो आए असा केडी केडी शयूं असा अचीव कयूं आए पाकिस्तान में इन हवाले सा भी गालाइंदा से तेज से एकरो ब्रेक जरूरी आए सो केरा नवा जो दिसंदा रो सलाम सिंध तू जो पाकिस्तान आही मुझो पाकिस्तान आ इन ते दिल कुर्बान इन ते जान भी कुर्बान आ इन ते दिल कुर्बान इन ते जान भी कुर्बान आ तू जो पाकिस्तान आही मुझो पाकिस्तान आ तू जो पाकिस्तान आही मुझो पाकिस्तान आ इन ते दिल कुर्बान इन ते जान भी कुर्बान आ इन ते दिल कुर्बान इन ते जान भी कुर्बान सही गाल या है तो पाकिस्तान के लिए असि जान भी कुर्बान है जान देने का नवल न लवाईंदी अस जैसे अड़ो को मामलो इन है हर शहरी भले वो सिखल हो जाए हर शहरी मुजाहिद थी वो चवन बाबा अस जान पे हाजिर आ सो खास ट्रांसमिशन में सलाम सिंह की खास ट्रांसमिशन खास तौर पर जश्न आज़ादी जो ढीं खुशी जो ढीं है इन खुशी के सेलिब्रेट क्यों पा टपाल दानेदार वालों असा ताउन है ढी सुी चाय है यहाँ पींदा रहो मुझ मेहमान भी असा गड आन थोड़ी देर पे मिली नगमो बुधोसी मिली नगमो प्यारे खूबसूरत आवाज में मिली नगमो बुधायोट भी है उन हिसाब में जैसे बुधाएं तो वाकई में उनमें अल्फाजन में गुम पे मिली नगमो बुधी सोचे मिली कुछ असल मिली नगमो ये मिली अज खुशी जो ढी अल सही तीन की आज़ादी है वह बरकरार रखे इंदड़ जी असा इंदड़ नौजवान इंदड़ जो नस्ल है वो बिना आज़ादी की ये खड़ी चूं तो आज़ादी में फायदो वे आज़ादी जड़ी नेमट से सरशार हो नई मेहमान साहब अस राहत भाई भी है राहत अली उनके चवंदा पा राहत भाई भी चवंदा अली भाई भी चवंदा अंजला भी असा गुड है मोहरम साई भी खूबसूरत साथ है सो इन साथ के अगते वधाईंदा हलूँ कचहरी कहते पा आगाज कर नंढपण का नंढपण जो यादों इलाई होंद नंढपण में आज़ादी की गाल हूँ सो नहीं भाई मुझे तो मेरा जो बचपन था मैं अपना शेयर करूँगा जब भी मतलब आज़ादी के दिन आते थे थोड़ी थोड़ी जो खर्ची मिलती थी वो बचा के रखता था बेजेस लेके आता था और ये झंडियाँ लेके आता था मतलब वो सारी खर्ची में यहाँ पर सर्व कर देता था क्योंकि इतनी मोहब्बत थी ऐसा ही होता होगा आपके पास भी यही दिल है जो मेरे पास है हाँ? बिल्कुल ऐसा ही होता था और कमाल बात ये होती थी जब गलती से मेहमान घर पे आ जाए तो हम पकड़ लेते थे कुछ ना कुछ दे के जाएगा नहीं वो इतना रोते थे वालदा के सामने वालिद के सामने खैर वालिद तो खैर ड्यूटी पे थे तो वालदा को इतना तंग करते थे वो मेहमान दे के चला जाता था बोला भाई ले लो खुदा के लिए बच्चे चुप करा दो उसकी जो खर्चा नहीं होता कभी कभार ये होता है कि मेहमान दे के जाता है मेहमान चला जाता है तो फिर माँ वो छीन लेती है पैसे इतने पैसे तुम नहीं क्या इतना टाइम ही नहीं होता था वो जैसी खर्ची मिलते ही ना गेट हमें नजर आ जाता था गेट से निकल जाना और पता है कि कहाँ से झंडियाँ मिलेंगी अच्छा। और ये कहाँ से बेजेस मिलेंगे केप आता था केप पहनते थे तो वो जैसे हम ईद मनाते हैं इसी तरीके से जो है वो 14 अगस्त की तैयारियां पहले से शुरू करते हैं सही 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 क्योंकि ईद की तैयारियां जो है वो हफ्ता 10 दिन पहले होती हैं लेकिन 14 अगस्त तो फर्स्ट जो है वो अगस्त आया देखेंगे फुटपाथ पे आ जाते हैं हमने जो है वो लगा दोस्तों में खेले वेले बच्चों के साथ जो अपने साथ सराउंडिंग में जो दोस्त थे तो एक मुकाबला शुरू हो जाता था कि जो घर इतना अच्छा सजा दे जो गलियां अपनी अच्छी सजा दे सही सही तो हम तो दरख्त भी नहीं छोड़ते थे उस पर भी जो है वो झंडियां सजा कर और खड़े हो जाते थे कोई तो आए तारीफ करे लेकिन तारीफ कोई नहीं करता था सही सही तारीफ ऐसा होता था कि भाई आप मेरा भी आके देखो तुम मैंने क्या किया सही तो बहरहाल वो जो एक अच्छे दिन थे हसीन दिन थे अच्छे से गुजारे लेकिन अब भी अल्हम्दुलिल्लाह अब अपने बच्चों को ये सहूलियात मुयसर हो रही है बिल्कुल अब तो क्योंकि वही जज्बा बच्चों का भी होगा तो उनको भी
ये पैसे वैसे खर्चे मर्चे देते हैं आप? हाँ लाजमी सी बात है, ले लो झंडियां वंडियां। उस वक्त इतने सोर्सेज नहीं थे और बात ये है कि अब क्योंकि सोर्सेज हैं तो अब कोशिश ही होती है कि 14 अगस्त क्योंकि बच्चों को बताना चाहिए। सही सही बात है कि 14 अगस्त क्या है, क्यों मनाया जा रहा है, 6 सितंबर क्या है, 23 मार्च क्या है, ये जो आते हैं दिन ये क्यों आते हैं, क्या वजूहत होती है और इसमें क्या क्या पाकिस्तान के अंदर क्या क्या हुआ। सही सही, क्योंकि 14 अगस्त क्योंकि अब क्योंकि किसी जमात का तो 14 अगस्त है नहीं, ये तमाम जमातों का 14 अगस्त है। पाकिस्तान में रहने वाले तमाम वो लोग जो आजाद है सबका 14 अगस्त है, क्योंकि हम छोटे थे, हमारे जो बड़े थे दुनिया से चले गए, हम भी चले जाएंगे, तो हमेशा एक लफ्ज तो सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान नहायत ही नाजुक हालात से गुजर रहा है। सही, सही, सही। तो नाजुक हालात इस पाकिस्तान के कभी खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि पाकिस्तान ये अच्छी बात की वजह से नाजुक हालात, नाजुक हालात। मैंने वो तकरीबन 50 साल पहले की एक अखबार पढ़ी, उसमें लिखा था चीनी का बुरान, 50 साल पहले भी बुरान था, बुरान था, आज भी है, आज भी बुरान है। ये बुरान पाकिस्तान के साथ बात की कि अटैच है या रहे या अल्लाह करे खत्म हो जाए। सही सही, लेकिन एक बात तो सच है और हकीकत है, खुदा ताला ने इस पाकिस्तान को 14 अगस्त जुमे के दिन 27वें रोजे को जो है वो आजाद करवाया। वाह, अब देखे ना, जुम्मे का दिन हो 27वां रोजा हो, वाह, और ये वो रियासत थी जो कलमे के नाम से वजूद में आई। वाह वाह वाह। और दीगर मुल्कों से जो लोग यहाँ माइग्रेट करके आए, सबको पता था कि जो आ रही है वजूद में ये कलमे के नाम से आ रही है। सही सही। और आज अब पाकिस्तान के पास, हालांकि साथ हमारे और सराउंडिंग में मुल्क हैं जहाँ से जो टेक्नोलॉजी निकलती है, जो मदनियात निकलती है, आज सऊदी अरब ले लें, आज यूएई ले लें, आज यूरोप के ममालिक ले लें, आज बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं आज उनके पास सब कुछ है, लेकिन नहीं है तो उनके पास एटम बम नहीं है। सही सही। तो ये वो मुल्क जो नहायत ही नाजुक हालात से गुजर रहा है। सही सही। और नाजुक हालात होने वाला मुल्क, उसके पास ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो था, तो एटम बम भी आ गया उस मुल्क के पास। घास खाएंगे लेकिन एटम बम, घास खाएंगे, ये बात होती है जज्बे की। ये रावलपिंडी में खड़े होके इन्होंने ललकारा था, ये कहा था अमेरिका को कि अमेरिका ये वाइट हाथी, ये पाकिस्तान जो है वो अगर घास खाएगा, अवाम घास खाएगी लेकिन एटम बम जरूर बनाएगी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह बात ये कि हमारे पास एटम बम मौजूद है, हमारे पास आज हमारे पास मिसाइल टेक्नोलॉजी मौजूद है। क्या कहने भुट्टो साहब, क्या कहने, क्या कहने, जबरदस्त। घास खाएंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। क्या जी क्वेश्चन में नईम भाई से करना चाहता हूं। जी 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 सर। नईम भाई मैं पूछना ही चाह रहा था, अभी इन्होंने कहा 50 साल पहले की, अगर हमने कोई मूवी देखी या कोई भी है, उस जमाने में बुहरान था, बिजली का बुहरान था या चीनी का बुहरान था, तो 50 बहसियत सियासतदान आप मुझे इस बात का जवाब दें लोगों को कि मतलब 50 साल के बाद भी ये क्वेश्चन क्यों है, क्या वजह? 74 साल में आप लाइट नहीं ला सके, क्या वजह? होता ही है कि बात ये, कायद अजम ने जो है इस मुल्क को कौम बन के पाकिस्तान को तोहफा दिया था। सही सही। अब हमने फैसला करना था कि कौम बनना है या जुम बनना है। मैंने कहा ना, पेलिफ से पंजाब का, आप से कश्मीर, सीन से सिंध, तेलिफ तान बलूचिस्तान, ये बन गया खूबसूरत पाकिस्तान। सही। अब ये खूबसूरत पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन हम कौम के बाद थोड़ा हजूम की तरफ चले गए, और हजूम की तरफ जब गए तो जब बिखर गए, तो बिखरने के बाद सूरत याल के निकली, बलूचिस्तान जाए गैस निकलता है, निकलता है गैस, आप देखें लकड़ी पे खाना बनाते हैं, आप केपी के जाए पानी यहाँ आता है केपीके से, आप जाए बेचारे कुएं से पानी भरते हैं। तो कुछ इस मुल्क के अंदर ऐसे साजिशी लोग हैं जो साजिशें करते हैं इस मुल्क के अंदर, और वो कमजोर करते हैं इस मुल्क को। सही सही। और कमजोर करते हैं तो बुरान कोई भी उस मुल्क के ऊपर, लेकिन जब बात आती है सलामती की, जब बात आती है पाकिस्तान की, तो तमाम वो जिनके स्टेक इस पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वो सब एक टेबल पे बैठ जाती है। सही सही। और इसका आज भी अगर मैं बात करूँ कश्मीर का, 2 साल हो गए, जिन मुल्कों में आजादी नहीं है उन मुल्कों से जाके पूछे, आज चेचिनिया से पूछे, आज शाम से पूछे, आज के इराक से पूछे जाके, आज अफगानिस्तान की सूरत हाल देखें, हमारे 7 मुल्क है कश्मीर, आज कश्मीर के अंदर 370 रिवोक करके आज वहां जिस तरीके से आजादी राय और आजादी जिस तरीके से उनसे जो है वो छीन ली गई है, तो आज हम तो खुशी मना रहे हैं, केली कर्बला रिसोर्स मना रहे हैं, तो वहाँ क्या हालात होंगे उनके साथ? ताई अखबार बंद हो जाए, ताई टीवी बंद हो जाए, ताई नेट बंद हो जाए, तो मन अच्छा इंतजार में अगर पुट बाहर पानी बंद हो जाए, जो उन जो लाश घर में अच्छे या उन जी माँ के सान या उन भेनरों के जिसमें मिसाल न हो जी, तो अलह मुझे भाव वापस जिंदा इंदो भी आ रहा है, तो उन्होंने ये हर डी हर सेकंड हर मिनट उन्होंने जो उन्हें तकलीफ में पे गुस्से, तो उन्हें जलाए तो दुआ ही करे से गुंदा तल्ला साईं उन्हें जी मदद कर दुआ उन्हें जलाए क्यों है उन्हें वक्त पूरी वरी उन्हें की दूसरी करे ता पाजी आजादी जो शुक्र मलाय होता है ऐसा है ता आजादी। राज साहब आपने ये क्वेश्चन जो पूछा, मैं थोड़ी बहुत मतलब मैं समझने की कोशिश करती हूँ या प्रैक्टिकल होने की कोशिश करती हूँ, चीज़ें जो भी होती हैं उनको मैं थोड़ा समझ पहले, तो आपने जो सवाल किया जो मुझे समझ में आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अगर हम लोग वैसे ही बैठे हुए हैं और खाना नहीं है, हमें पता है कि किचन में कुछ चीज़ें हैं कुछ नहीं है, ठीक है, पूरा दिन हम वैसे ही बातें करते करते
हम पूरा दिन हमारा निकल जाएगा, लेकिन अचानक से बीच में कोई बंदा आएगा, अरे आप लोगों ने तो खाना नहीं खाया, फिर हम सबको एक साथ भूख लगना शुरू हो जाएगी। जब हम आराम से बैठे हुए हैं, सब लोग हैं, मतलब लाइट का मसला नहीं है, ये नहीं है, जब दो दो पार्टियां बन रही हैं, तीन तीन पार्टियां बन रही हैं, तो वहां पर कोई ना कोई आकर इस तरह से वो इशू को उठा रहे हैं, जिस वजह 50 साल पहले भी चीनी का बोरान था और आज भी चीनी का बोरान है। तो वो ये सारी बातें कुछ और लोग आकर इस तरह से कर रहे हैं, और मैं बस इतना ही कहूँगी कि हमें सबको मजबूत होना है, हमने सब अपना ईमान मजबूत करना है, करना अपने पाकिस्तान के लिए ही है। वाह वाह। मगर भुट्टो साहब की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी और अभी तक याद है, मैं छोटा ही था कि उस जमाने में ये देखें आप, ये कमाल के लीडर था, वो उस जैसा लीडर मेरा ख्याल नहीं पैदा हो सकता, पैदा ही मैं उनके अलावा पसंद ही नहीं करता किसी पैदा नहीं। उन्होंने उस जमाने में जब लाइट नहीं जाती थी, उस जमाने में वो कहते थे कि डैम बना लो, आगे 25 साल के बाद प्रॉब्लम आएगी, बाबा सुई भी अपनी बनाओ, इंडिया से लेने की क्या जरूरत। अब बताएं ऐसा शख्स अगर होता रह जाता तो ये पाकिस्तान कहाँ होता। बस ये है कि उनकी कमी महसूस होती है, लेकिन बिलावल साहब हैं, उम्मीद की जा सकती है। अल्लाह बात ये वो किसी ने कहा था कि बात दुनिया में तरक्की करनी हो तो किन चीजों पर भरोसा रखो। सही सही। तो हमें तो अली बे पे भरोसा रखा हुआ है, अली से जो है वो आसिफ अली जरदारी भी है, अलीफ से आसफ भुट्टो भी है, बे से बख्तियार भुट्टो भी है, बे से बिलावल भुट्टो भी है, बे से बेनजीर भुट्टो भी, और पे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी। वाह वाह वाह। तो अली बे पे हमारा यकीन है, और इंशाल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर जितनी कुर्बानियां हमारी मसला फाज ने दी है, इस मुल्क के अंदर ये वाहिद जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके लीडरों ने कुर्बानियां दी है इस मुल्क की खातिर। इस कुर्बानी की बात करेंगे नहीं भाई, छोटा सा वक्फा ले लेते हैं पहले, बल्कि वक्फे का पैर हम पाण मिली नगमो एकड़ो बदो। हां अंजला हमें ता से डाडो प्यारो खूबसूरत इकलो पाण जेडो क्यूट मिली नगमो बदायो। वाह वाह। ये चांद तारे
नगमो बुधो पा हाँ वूँ था साही टपाल दानेदार वन जो असा ताउन है अज को प्रोग्राम तुझण में सो मोटी अचूँ था नी साई बिल्कुल जी सलाम सिंध में एक भेर वे वरी चूं था जश्न आज़ादी जो एक भेर वरी तह मुबारकू हुजन सब भेरा मुबारक हुजन लखें भेरा मुबारक हुजन आज़ादी वही नेमत है नेमत का असा इन सुरशार आयो या वही गाल वही गाल है तो सरिश मां ऐसा पो तो जैसे जैसे वही गाल है तदें फ्लैग लगल है झंडो लगल है बैग से लगल है अगर लगल है पर जो बहराड़ी जो मूँ साइकिल से भी वे तो उनके भी पाकिस्तान फ्लैग है झंडो है न सिर्फ यो पर दिखो पे अज जो सोशल मीडिया भरल हुई सुबह का ऐसा पो तो अड़ा मूँ पाया गोठाना जी इन वक्त बनी में कम कार कन पा या हारी आन या ट्रैक्टर जी बनी में वक्त कम करें पो तो उत भी उन्होंने फ्लैग जो है लगल है माना यहाँ गडह गाडे वे झंडो हथ में सो मतलब मोहब्बत के लिए यो जो है सो अमीरी गरीब जो को हिसाब किताब है सबनी जज्बो सागो है सबनी मोबाइल सागो है सोशल मीडिया ते पानी डीपी जे का प्रोफाइल जे का वो चेंज करे पाकिस्तान जो फ्लैग या वो एड़े तरीके सा पानी पिक्चर भी रखी तो जे में पाकिस्तान जो फ्लैग जो का उन दे जाहिर बल्कि अजो के नीते ता दिसा तो स्पेशल जे की है एक्टिविटीज में पान दिसु ता त मानू पजे हथन ते भी फ्लैग छपराइन था पजे चेहरे ते भी छपराइन था माना एकड़ी मोहब्बत जो इजहार है एकड़ो प्यार है पाकिस्तान जे हर चैनल ते हर जितरा भी चैनल आहन चाहे वो यूट्यूबर होजन चाहे वो असया पा चैनल होजन हर चैनल ते जके पाकिस्तान जो झंडो पाकिस्तान जे हवाले सा उनन जी खुशी जे का वो जाहिर पे कई वने वाह मखे खबर तो खुशी कदे थिंदी हुई मा जने नंडो हुंदो त हाने भी मखे खुशी थिंदी है सुबह सुबह उठी करे पो या परेड दिसंदो आया परेड में मजो हुंदो आ मजो हुंदो आ जे हवाई जहाज ई मथो उडना न पिया इने वडो मजो हुंदो परेड सा फायरिंग थिंदी आ ते वरी जको वर्क जको कंदा आ नु वो डाडो जबरदस्त हुंदो या मजार कायद जका गार्ड सी तब्दीली थिंदी आ उन में भी मजो हुंदो आ जके पेर कदम कदम मिलाए कर जकी फौजी हलना न तो उ अना तई दिलचस्प असा तो ताम यकीन दिसंदा हुंदो ए डठो हुंदो ता सो बराल प्रोग्राम ई तर्तीब अगता बदायूं था 14 अगस्त खुशी जुडी आ मजेदार नी आ सो मजे के बीणो क्यों था मिली नगमा अना वधिक सुठा बुदनासी उमे मा शहजाद असा संग गडा कि पान पे भली कार चूं था अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं ठीक हैं जी बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई अजो को प्रोग्राम तक पहुँचने में असाउन किया टपाल दानेदार वन जी पाकिस्तान जो क्याम थो पाकिस्तान जी आज़ाद थो 1947 में तदें का ही टपाल दानेदार जो आगाज थो है अज तई इन टपाल दानेदार के मूँ वे शौक चाह से प्यार पाबू से पसंद कन था जायकेदार चाय के पीन था माने पाकिस्तान ने टाइम जी को उन टाइम जी को जायको स्टिल वही जायको वही खुशबू आई तहां सिर्फ एक किचन में भी करे ठाइंदा पर उन जी खुशबू जो के घर घर ताई पहुंची विंदी दुनिया जे सबनी जे के इन से बागात जे की खूबसूरत बागात है उन में पत्तियों खास तौर चुंडे के टपाल दानेदार ठाई विंदी टपाल दानेदार पियो टपाल दानेदार पियो भरपूर जिंदगी जियो सो असा घर मौज मेहमान है नई मावान साहब पे है राहत अली भाई भी है राहत अली भाई ढो सुठो गाइंद पे थोड़ी देर में उनका भी बुधासी कुछ न कुछ ये माना कम हल्द हाँ। पर नहीं भाई मुझे ये बताएं कि शुरू से लेकर अभी तक अगर बात की जाए कि पाकिस्तान में क्योंकि आप सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं तो इस हवाले से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरियत मुस्तकम हो पाई है या नहीं। देखिए पाकिस्तान अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान के अंदर जमहूरी निज़ाम जो है वो 26 साल बाद इस मुल्क के अंदर आइन बना था और वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो है वो आइन बनाया इस मुल्क के अंदर 26 साल पहले अगर मैं पहले अगर बात करूँ जब आइन नहीं बना था 71 से पहले तो उस वक्त तक ना आइन था ना कानून था ना पार्लियामेंट थी ना पार्लियामेंट का कोई रूल था ना कोई जो है वो इंसाफ वाले कोई मामलात थे। अब क्योंकि जमहूरी और एक दूसरा निज़ाम होता है अमरीत का सही सही बात तो मुल्क के अंदर दो निज़ाम जो है वो कभी भी एक साथ नहीं चल सकते। सही 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 अगर मैं बात करूँ मुल्क के अंदर अगर अगर आवाम की हुकूमत चाहते हैं आवाम और अगर चाहते हैं जमहूरी निज़ाम चलता रहे और जमहूरी निज़ाम ही एक बेहतर निज़ाम है सही, पूरी सही, दुनिया के अंदर जमहूरियत बेहतर निज़ाम ला सकती है। अब ऐसा होता है कि यहाँ ऐसे भी साजिशी टोला है इस मुल्क के अंदर कि चलती जमहूरियत को चलते मुल्क को जो है बड़ा गर्क करके ऐसे निज़ाम को मुल्क के ऊपर मुसलत करता है कि वो बात यह है कि ऐसे मुल्क ऐसी जगह ला के मुल्क को खड़ा कर देते हैं कि अगर क्योंकि आज 14 अगस्त का दिन है तनकीद बराए तनकीद नहीं होती तनकीद बराए हम कहते हैं इस्लाह की बात इस्लाह की बात होती है क्योंकि हम ये आज बात डिस्कस करेंगे कि क्या खोया क्या पाया हमने क्या हमारी कोताहियाँ कमियाँ हैं तो खामियों पे थोड़ी सी बात हो जाए तो ये जमहूरियत की बात इस वजह से मैं कर रहा था कि मुस्तकम हो पाई इतने सालों में।
अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं बात करूं उस वक्त हमारी मसाला फौज जो है वो दुनिया के अंदर दूसरी नंबर की मसाला फौज है और पूरी दुनिया के अंदर अगर बात करें अपनी एक रिट कायम की हुई है। सही सही। आज हम क्योंकि अभी बात हो रही थी कि चीनी का बुरान या बिजली का बुरान, हमने बुरान सहे हैं, हमने आज बुरान सहे हैं तो आज दुनिया के अंदर हम अपना लोहा मनवा रहे हैं। आज हमारे अगर बजट पूरी अगर पाकिस्तान का देखें तो ज्यादा बजट जो है वो हमारे इदारों के पास जाता है, इदारों के पास जाता है तो आज पूरी दुनिया के अंदर क्यों हमें सराहा जाता है, हमारी फौज को, हमारी जो इस वक्त जो लाइन फोर्सेस के जो इदारे हैं, हमारी जो एजेंसीज हैं, पूरी दुनिया क्यों अप्रिशिएट करती है। तो आज भी आप अगर देखें सऊदी अरब की जो फोर्सेस हैं वहाँ जो सिक्योरिटी है वो पाकिस्तान की जो मसला फाज है वो अपनी हिफाजती दस्तों के साथ वहाँ इस वक्त अपनी जिम्मेदारियाँ अदा कर रही है। इसी तरीके से पूरी दुनिया में से लोग ट्रेनिंग लेने के लिए अभी भी आपने देखा कि एक ट्रेनिंग पीरियड हुआ कि रशिया से भी जो है और यूरोप से भी और जो है दीगर ममालिक से भी लोग यहाँ जो है वो नेवी के कुछ दस्ते आए और बकायदा यहाँ ट्रेनिंग लेके गए। तो यहाँ हमारे जो इदारे हैं इस वक्त जो मसला फाज के जो इदारे हैं वो अपनी जगह पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम जो है वो बना रहे हैं। फिर दूसरा जमहूरियत के अंदर जो पार्टियां जिन इस मुल्क के अंदर जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं इस जमहूरियत के खातिर, मैं क्योंकि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तो ये वो जुल्फिकार अली भुट्टो ही था, उसी की बेटी थी मुहतरमा बेनज़ीर, शहीद बेनज़ीर भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो ने एटम दिया, एटम बम दिया, जो है वो आइन दिया इस मुल्क के अंदर। मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो अगर बात करें हमारी कौमी शनाख्त जो है वो भी जुल्फिकार अली भुट्टो और मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो एफर्ट्स थी उसी के मद्देनजर रखते हुए आज ख़वातीन के लिए आज देखा आपने कि जो यहाँ जो वुमेन पुलिस है, वुमेन पुलिस के साथ साथ अगर मैं बात करूँ बेनज़ीर ने इस मुल्क को जो जो मिसाइल टेक्नोलॉजी दी जो दुनिया के अंदर कुछ ममालिक के पास मौजूद है, तो ये छोटी बात नहीं है। ऐसे मुल्क के अंदर जो नहायत ही नाजुक हालात से गुजर रहा है, फिर 2013 के अंदर जाते जाते आसिफ अली जरदारी ने इस मुल्क को एक ऐसा तोहफा दिया जिसको हम सीपैक कहते हैं। अब पूरी दुनिया के अंदर जो है वो डीप पोर्ट है, दुनिया का दूसरा डीप पोर्ट पाकिस्तान के पास मौजूद है ग्वादर, और ग्वादर जो इस मुल्क का जो है चेंज ओवर है, पूरे मुल्क के अंदर जो है वो पूरे चेंज लेकर आएगा पूरे खत्ते के अंदर, और वही जो है वो सीपैक के ऊपर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई है। वो सीपैक जो इस मुल्क की जो इस वक्त जो कर्जा है, जो जो कर्जे इस मुल्क के ऊपर चढ़े हुए हैं, यह मुल्क की जो तरक्की है, मुल्क की जो इकोनॉमी है, वो सीपैक इंशाल्लाह 2024-25 तक जो है वो अपनी जगह पाकिस्तान अपनी जगह खड़ा हो जाएगा। सही, सही। तो बात यह है कि जमहूरियत जो है, जमहूरियत ने बहुत कुछ इस मुल्क के अंदर दिया है, लेकिन मैं आपके तवज्जो से मैं हाथ जोड़ूंगा ऐसे लोगों से, ऐसे साजिशी लोगों से कि खुदा के लिए अगर 31 साल अगर जमहूरियत को चलने दिया है तो 35 साल जो है वो आमरियत ने भी इस मुल्क का बेड़ा कर रखी है। तो आज जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के आप चले जाएं उनकी कब्र के ऊपर तो आप जाके देखें वहाँ क्या सूरत हाल है, वहाँ कितना रश होता है, दुआएं करने वाले लोग कितने मौजूद हैं, और जो जमहूरियत को रीरेल करके गए थे आज उनके पास जाएं तो उनकी कब्रों पे जो है वो जानवर भी नहीं जाते। तो मैं समझते हैं ये जमहूरियत बेहतर जो है वो जो है वो निजाम है दुनिया के अंदर, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम भी। चलें जी इस पे वजीद बात करते हैं, लेकिन रात भाई माशाल्लाह आर्टिस्ट जो होता है वो मुल्क की पहचान होता है, सकाफती सरगर्मियाँ ज़्यादातर आर्टिस्ट ही करते रहते हैं, तो आपकी का आपकी कोई ख़ास एक्टिविटीज़ होती हैं 14 अगस्त के दिन क्या करते हैं या क्या करते थे, क्योंकि लॉकडाउन में तो मेरे ख्याल से कम ही तकरीबात होती हैं। नहीं देखें, हम तो जब बचपन में ये करता था, मैं तो बचपन का अगर बताऊं तो मैं चंदा इकट्ठा करते थे, हम 3-4 लड़के जाते थे घर घर चंदा लेते थे, उसके बाद हर 14 अगस्त पे बाकायदा एक पूरा एक प्रोग्राम होता था, तो हम उस जमाने में तो वो करते थे। अब इतना नहीं, अब तो ये आपके चैनल पर आ जाते हैं या फिर किसी के साथ मिल जाते हैं। सही सही। जाहिर है वो बचपन की यादें हैं ये तो, सही सही। लेकिन बहरहाल ये है कि बस खुशी जरूर होती है, खुशी 14 अगस्त नहीं होता है ना, कभी कभार ऐसा होता है कि भाई खास ये मैं इस इवेंट में जाऊंगा, मुझे ये तकरीर करनी है या मुझे ये मिली नगमा पेश करना है या ये टेबलो पेश करना है या ये ड्रामा में लिख रहा हूँ या इसमें अदाकारी कर रहा हूँ कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं जैसे मैं अपने शो करता हूँ सैटरडे नाइट करता हूँ, लाइव शो करता हूँ अपने में, बहुत माशाल्लाह पॉपुलर शो है मेरा दी राहत शो के नाम से। अच्छा, तो उसके लिए मैं 14 अगस्त की तैयारी में लगा हूँ, अब मैं करूँगा वो भी। अच्छा, तो मैं अपना ऐसे कर रहा हूँ। लेकिन एक बात फिर मैं नईम भाई पे जाना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अभी आप इनसे ये सवाल कर, मेरा थोड़ा सा बड़ा इख्तलाफ हो जाता है क्योंकि मुझे मौका मिल गया इनकी वजह से आज आपके तवस्सुस से, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों के पेट कब भरेंगे, लोग जो भूखे हैं वो कब खत्म होगी, वो मुझे इसका जवाब चाहिए। जमहूरियत और ये तो होता ही रहेगा, लेकिन मुफलिसी कब खत्म होगी, महंगाई कब खत्म होगी, इस वक्त तो बहुत ही महंगाई है, टॉप पर है बल्कि महंगाई मैं समझता हूँ।
सही बात तो है ये छोटा सा मैं इनसे ये जवाब सही बात है लेकिन इसमें क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। मैंने भी एक बात आपको कही कि इस मुल्क के अंदर जो मैक्सिमम बजट है वो इन चीज़ों पे चला जाता है और पूरी दुनिया में अपनी अपनी रेट कायम की हुई है। दुनिया के अंदर हमने अपनी एक ताकत अपना लोया मनवाया हुआ है तो बहुत सारी जगह पेट काटना पड़ता है। कभी ऐसा भी होता है कि बात ये खुदा ताला का बड़ा शुक्र है इस मुल्क के ऊपर, बात यह कि भूखा इस मुल्क में कोई नहीं सोता। खासतौर पर हम कराची के अंदर मौजूद हैं, कराची में अभी लॉकडाउन की जो सूरत हाल से इस पूरे कराची ने जो है वो गुजरा है, इस कराची जैसे शहर के अंदर भी कोई यहाँ भूखा नहीं सोया। रिज़्क रोटी का वादा मेरे खुदा ताला ने किया, लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है। हमें अगर आज मैं बता रहा हूँ ना कि आप फ़लस्तीन के अंदर जाएँ, वहाँ जो हमारी ख़वातीन हैं वो कमीज़ उठा उठा के दुआएं करती हैं खुदा ताला पाकिस्तान की फ़ौज को हमारे पास भेज, आज पाकिस्तान की फ़ौज आएगी तो तुम्हें बताएगी आके, आज वो बकायदा जो है पुकारती हैं। आज चेचिनिया के अंदर, बोसिनिया के अंदर ये वो वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं। तो आज पूरी दुनिया के अंदर हम अगर अपना लोया मनवा रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ों पर हमें पेट पे हाथ रखना पड़ेगा। लेकिन बात ये है कि हम आगे जा रहे हैं, हम पीछे नहीं जा रहे। लेकिन इस मुल्क के अंदर वो कहते हैं ना घबराना नहीं है, एजेंडा मुर्गी कट्टे WC फिर लंगर खाने, फिर लंगर खानों के साथ साथ जैतून के तेल से दुनिया मिशत पाकिस्तान की मिशत ठीक होना, फिर भंग काश होना इस मुल्क के अंदर। तो मैं समझता हूँ जमहूरियत जो है बेहतरीन इंतकाम है। तो जमहूरियत पे जब लोग भरोसा रखेंगे, यकीन रखेंगे, तो बात यह है कि इंशाल्लाह ताला निज़ाम ठीक होगा और बेहतरी की तरफ जाएगा। ऐसे साजिशी लोग दुनिया के अंदर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर आते हैं। एक अमेरिका को तोहफा मिला था उससे जान छुट्टी, एक हमारे पास है अल्लाह करेगा जान जल्द छूट जाएगी तो चीज़ें अपनी जगह आ जाएंगी। सही। नहीं भाई बहुत शुक्रिया, वैसे आप अच्छी बातें करते हैं, कभी कभार मतलब दिल लग जाता है आपसे, घबराना नहीं है। मगर छेड़ा किसने था सर? बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में, आप तो छेड़ते ही रहते हैं सर। लेकिन बहुत शुक्रिया, मस्ती मजाक अपनी जगह, बहुत अच्छे आदमी, नाइस बंदे हैं भाई राहत अली भाई, बहुत शुक्रिया आप भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। सो मौज़ मेहमान वरी तब्दील भी थींदा छो तो पुंगों पर चवंदा आहिनि पाकिस्तान में तब्दीली अची वई आहे। सो हाणे जेका तब्दीली आहे उहा बि तव्हां ॾिसो था, पर असां महिमान तब्दील कंदासीं, असां थाॻा ई हूंदासीं, पर इन विच में मिनी मौज़ मेहमान खां असां इजाज़त वठंदासीं। बहुत शुक्रिया जी आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाइ। उमेमा खां असां हिकिड़ो मिली नगमो ॿुधूं था, उनखां पोइ साई वठूं था, वरी ॿिया महिमान बि तव्हांखे उन्हनि जी ज़ियारत नसीबु करायूं था। जी उमेमा मेरे खेतों की मट्टी में
बिल्कुल रसाई भी जरूरी आहे ऐं वापस अची करे तव्हांखे नवां मेहमान तव्हां सां मिलराईंदासीं सो केरा नवां जो ॾिसंदा रहो सलाम सिंध जी सलाम सिंध में एक भेर वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था ऐं वरी हिकु भेर ॿीहर तव्हांखे जश्न आज़ादीअ जूं मुबारकूं ॾियूं था तव्हां मसरूफ़ हूंदो एक्टिविटीज़ हूंदियूं तकरीबूं हूंदियूं उन्हनि में शामिलु हूंदो यकीन ॼाणूं था असांखे ख़बर आहे सहरिश बि ईअं कंहिं तकरीब में वई आहे हाली फ़िलहालु जेसि ताईं मोटे तेसि ताईं आऊं तव्हांजी ख़िदमत में हाज़ुर आहियां टपाल दाणेदार जी चांहि ॾाढी ज़बरदस्त आहे ऐं चांहि जेकॾहिं तव्हां इहा पी न आहे ॾिठी करे त पी ॾिसो 1947 में जीअं पाकिस्तान आज़ादु थियो उन ॾींहं खां वठी वरी टपाल दाणेदार जो आगाज़ थियो ॾाढी सुठी चांहि आहे मुल्क जे बल्कि पाकिस्तान जे बल्कि सॼी दुनिया जे जेके ख़ासि बाग़ात आहिनि उन्हनि मां ख़ासि पतियूं चूंडे करे इहा चांहि ठाही वेंदी आहे ऐं टपाल दाणेदार सां गॾु जश्न आज़ादी जो मज़ो ई ॿीणो आहे हिन वक़्तु हिन लम्हे असां वटि जेकी मौजूदु महिमान आहिनि उन्हनि जो तारीफ़ तव्हां सां कराईंदो हलां तव्हां जेको असां सां गॾु आहियो सभ खां पहिरियों तव्हांजी इहा बि महिरबानी आहे पर जेकी पाण ब्रेक में ॻाल्हि कईसीं त जॾहिं मोटंदासीं त ॿिया महिमान तव्हां सां मिलाईंदासीं हिन वक़्तु जेको मौजूदु महिमान असां सां गॾु आहे पाण सिंध रेजिमेंट जो हिसो रहियो आहे आज़ादु कश्मीर में कमांडर बि रहियो आहे बॉडर ते रहियो आहे इहा वॾी ॻाल्हि आहे अॼु उन खां पुछा कंदासीं इहो एक्सपीरियंस कीअं रहियो ऐं ख़ासि तौर ते साम्हूं जॾहिं को धारियो मुल्क हुजे या साम्हूं जेकॾहिं दुश्मन हुजे त उन सां अखियुनि सां मिलाए करे पोइ वरी छा कैफियत हूंदी आहे छा जज़्बो हूंदो आहे 14 अगस्त जो ॾींहुं आहे त जज़्बनि ते ॻाल्हाईंदासीं पाण आगाज़ कयां थो ऐं सभ खां पहिरियां हिन ब्रेक में गुफ़्तगू जो साईं वसीम केसर साहिबु असां सां गॾु आहे वसीम साहिबु हर पाकिस्तानी का वैसे ई जज़्बा होता है दिलि धड़कता है पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का नाम सुनते ही मज़ा आ जाता है राहत मिल जाती है एक फ़ौजी होने के नाते किस तरह से देख रहे हैं आज़ादी के आज के दिन आज का दिन मेरे लिए बड़ी खुशी का बायस हाँ और इसलिए खुशी मुझे ज़्यादा होती है कि मैंने इस मुल्क की हिफाजत करने का भी एक सही छोटा सा फ़र्ज़ अदा किया सही, सही, सही। और मुझे अच्छा लगता है कि इस मुल्क की खातिर मैंने कुछ ना कुछ किया सही सही और अच्छा महसूस करता हूँ सब अच्छा महसूस करते हैं लेकिन मेरी शायद खुशी थोड़ी सी सही 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 मतलब परसेंटेज खुशी की ज़्यादा है डबल है सो अच्छी बात है वैसे एक रिटायर कब हुए वैसे लग तो नहीं रहा कि आप रिटायर हो चुके जी मैं 2011 में रिटायर हुआ था अच्छा अच्छा और उसके बाद फिर रिटायरमेंट के बाद कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब्स की सही 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 अच्छा पाक फौज में कौन सी जिम्मेदारियाँ थी कहाँ कहाँ पर रहे थोड़ा सा बता दें ताकि हमें पता चले कि आप बाकायदगी से पाकिस्तान के साथ जो आपका जो लगाव था वो किस तरह से सिलसिला इख्तिताम पज़ीर हुआ मेरा ताल्लुक इन्फेंट्री की सिंध रेजिमेंट से है और सिंध रेजिमेंट का मतलब ये हुआ कि इन्फेंट्री पैदल फौज जिसने बॉर्डर पर मुसलसल ड्यूटी करनी सही सही तो मेरी लाइफ के 23 साल में से 17 साल बॉर्डर्स पे गुजरे अच्छा। और बाकी टाइम मेरा कैंटोनमेंट्स में गुजरा अच्छा तो अच्छा ज़्यादातर मेरी ड्यूटी कश्मीर कसूर बॉर्डर और कहीं ना कहीं बॉर्डर से बलूचिस्तान में कहीं ना कहीं बॉर्डर पे मेरी ड्यूटी अच्छा अच्छा बॉर्डर वाले भाई जो फौजी हमें कभी कभार वो भी देख लेते हैं अगर कोई देख रहा है तो उनको सलाम पेश करते हैं क्योंकि उनकी वजह से हम सुकून की नींद सोते हैं वो जागते रहते हैं क्या कहने जी पाक फौज को सलाम ऐं घरों घर असां सां तस्वर मलिक बि आहे तस्वर जी मुझे ये बताएं कि आपकी एजेंसी माशाल्लाह कोविड में क्या सूरत हाल थी और क्या टूर पे लोग जा रहे हैं नहीं जा रहे खास पैकेजेस 14 अगस्त के हवाले से बता दें जश्न आज़ादी मुबारक हो कोई खास पैकेज बता दें जी जश्न आज़ादी के हवाले से चूँकि इंटरनेशनल ट्रिप्स बहुत ज़्यादा कंट्रीज की नहीं हो रही है कोविड की वजह से तो हमारा अपना मुल्क भी स्विट्जरलैंड है वा, वा, और वा, वा, हम वा, अपने मुल्क को 14 अगस्त पे जो हमने पैकेजेस लॉन्च किए हैं वो एक गवादर का है और अच्छा, एक कुंडमलीर का अच्छा, है अच्छा, और बहुत उसको हमने एक्सपेंसिव नहीं रखा है ताकि हमारे लोग जाएं घूम सके जो काफी दिनों से घर में बैठे हुए एग्जॉस्ट हो चुके हैं और यह है कि उम्मीद अच्छी है अल्लाह ताला से कि मजीद मुल्क खुलेंगे तो घुमाएंगे लोगों को लेकिन अपना मुल्क इस वक्त बात अपने मुल्क की हो रही है तो अपना मुल्क स्विट्जरलैंड से किसी कम तो नहीं है माशाल्लाह माशाल्लाह बस वो बस देखने वाले की निगाह चाहिए हम देखते नहीं है हुंजा को ले लें कुमरात वैली को देख लें इसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है और मैं समझती हूँ कि वो तमाम
आसाइशें हैं और वो तमाम चीज़ें आप गवादर को देख लें, आप उस हाईवे पर जाएं, जब आप उस रोड से गुजरेंगे, जब आप गोरख हिल पहुंचते हैं और फिर वहां से जीप लेके उस पर टॉप ऑफ द हिल हम लेकर जाते हैं और फिर वहां पे जब बॉनफायर होता है और फायरवर्क्स करते हैं और वहां खड़े होके आप अपना तराना पढ़ते हैं, तो उस वक्त आपके अंदर ऐसा लगता है बादलों के साथ खड़े हैं। ये सर समझ रहे होंगे कि उस वक्त क्या एंथुसियाज्म हमारा बहुत बाहर आता है। सही सही सही। आप फिर बात हो रही थी, आप कह रही थी कि किसी जमाने में आप भी मिली नग मंगाती थी, कौन सा जमाना था, बचपन का जमाना था आपका? नहीं नहीं, मैं अभी भी गाती हूँ लेकिन प्रोफेशन के तौर पे नहीं, लेकिन माशाल्लाह से वैसे ही मतलब शौकिया कर लेती हूँ, क्योंकि इस प्रोफेशन से कंसल्टेंसी से फुर्सत नहीं मिलती है, ये बहुत हेक्टिक काम होता है। वैसे पाकिस्तान की बात आती है तो लब पे कोई ना कोई मिली नगमा आ ही जाता है। मिली नगमे वैसे ही शानदार हुआ करते थे, आजकल भी वो बना रहे हैं सिंगर्स, लेकिन पुराने नगमे वो ज्यादा मजेदार होते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके सुनने का अंदाज अपना होता है, उनके सुनने का, उनके गाने का, उनके तलफ्फुज और अदायगी, चाहे तैतु लफ्ज में कहिए चाहिए उसको तरन्नुम में कहिए। आजादी का दिन है, खुशियां मना रहे हैं, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, चाहे उसको तरन्नुम में कहे चाहे तैतु लफ्ज में कहे, उसकी अपनी एक बात होती है। वाह वाह वाह। अच्छा वसीम साहब, मुझे ये बताएं कि मिली नगमों का साथ फौजी के साथ किस तरह से, उनका मिलाप किस तरह से होता है? सिलसिला बड़ा गहरा लगता है मुझे, ताल्लुक बड़ा गहरा लगता है। अगर देख लें मैडम की नगमे ए वतन के सजीले जवानों, वहाँ से ये जज्बा उभारते रहे। सही, सही, आज भी मैं बचपन में सुना ए वतन प्यारे वतन पाक वतन अमानत रेखा सुनता हूँ तो मैं उसी ट्रांस में चला जाता हूँ। नगमे की क्या बात है, जब भी सुनते हैं ना तो मजा आ जाता है। सच्ची बात है, ए वतन प्यारे वतन पाक वतन, क्या कहने क्या कहने। अच्छा फौजी खुद कभी कभार फुर्सत में भी मिली नगमे गाते हैं, उनकी अंदर की कहानी बता दें कि सिर्फ वो तोप और बंदूक के साथ ही होते हैं गाते हैं? अच्छा अच्छा, क्योंकि वो तो फौजी है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट भी बसता है, एक फनकार भी बसता है, एक इंसान भी बसता है, वो तो उसने अपने ऊपर एक ड्यूटी की वजह से एक लेयर चढ़ा लिया। सही सही। 14 अगस्त किस तरह से मनाता है फौजी, खासतौर पर कोई अच्छे इवेंट्स होते हैं वहाँ पर? जी मुख्तलिफ इवेंट्स करवाए जाते हैं जिसमें उनको रोशनास करवाया जाता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि यंग सोल्जर्स हैं उनको शायद इतना पता ना हो, उनको हिस्ट्री बताई जाती है। अच्छा अच्छा। और इवेंट्स का एहतमाम किया जाता है, फंक्शन होते हैं, माशाल्लाह कोई खाने शाने का भी इंतजाम बड़े खाने का, जो फौज ही होते हैं, फौज का एक बड़ा मशहूर बड़ा खाना एक बड़ा फेमस है वो करवाया जाता है। है तो वो आम एक होता है लेकिन उसको कहा जाता है कि जब सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एक जगह पर, चाहे वो सीनियर कमांडर है चाहे वो जूनियर एक सिपाही है, सब एक पूरी रेजिमेंट इकट्ठी हो जाती है। अच्छा एक फौजी खासतौर पर उसके जज्बात में आपसे सुनना चाह रहा हूँ, आप छुट्टी पे हैं, वो पीछे से कॉल आ जाती है या कोई इस तरह से, पहले टेलीग्राम आता था या इस तरह से तार आती थी कि भाई पहुंच जाएं, हालात ऐसे हो गए पहुंच जाएं, तो इस तरह से कभी हुआ आपके साथ? जी शुरू में जब एक दो दफ़ा हुआ तो बहुत डिस्टर्बेंस होती थी, क्योंकि आप भाई अभी घर पहुँचा, अभी घर पहुँचे आराम भी नहीं किया और वापस बुला रहे हैं, वापस वो ट्रेवल करना, वापस आप रिलैक्सेशन मोड में आ जाता है, सही 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 है, वो तकलीफ दे होता था। बाद में फिर इस चीज़ को अपने पर लिया है कि नो इट इज पार्ट ऑफ ड्यूटी, ये करना होगा, तो हम घर आते वक्त यही होता था कि अभी कॉल आई अभी आई तो आ गई तो यहीं से टर्न कर जाएगी। सही 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 सही। अच्छा कभी कभार ये भी होता है कि भाई आपकी छुट्टी मंजूर हो गई और फिर वो कैंसिल कर दी गई, ये भी कभी कभार होता होगा, छुट्टी कैंसिल हो गई, दुख होता था या कहते थे नहीं पाकिस्तान के लिए छुट्टियां भी चलें भाई कोई मसला नहीं है? दुख तो होता था, अच्छा, क्योंकि जब एक दफा एक ज़हन बन जाए कि मैं जा रहा हूँ और उसको एकदम ट्विस्ट मिल जाए तो वो थोड़ा तकलीफ दे होता है, लेकिन जब ये रूटीन में आ गया तो फिर हमने कहा ये सामान बन जाता है, वो तो जाहिर सी बात है, एहसासात थोड़े इधर-उधर हो जाते हैं। अच्छा एक फौजी वैसे उसकी लाइफ वहाँ की लाइफ थोड़ा सी मुझे बता दें कि कोई घूमने शूमने का प्रोग्राम भी होता है वहाँ पे, छुट्टी जब होती है या संडे संडे को कोई छुट्टी होती है, सिनेमा वेना पे जाते हैं मेरे ख्याल से, कोई टिकट शिकट उनको मिलती है, कोई पास वाला कोई इस तरह से कुछ होता है मेरे ख्याल से? सिनेमा का दौर था तो उनकी हाफ टिकट हुआ करती थी, हमारे भी रिश्तेदार थे ना वो बताते थे कि भाई इस तरह से होता है कंसेक्शन कोई टिकट वगैरह होती थी, तो जमाना बड़ा अच्छा था, ये बहुत खूबसूरत। और अब ये है कि लोग जो है ना कोशिश करते हैं कि अगर तो हमारी तरह के जो है ना इन्फेंट्री वाले उनको कहीं ना कहीं उनकी एंटरटेनमेंट ही कश्मीर में है, उनको कितना वो चाम नहीं रहता, सही सही, लेकिन फिर भी बच्चों का ख्याल होता है कि वो तो घरों में बैठे हैं, उनको लेकर कहीं निकला जाए तो उनकी खातिर। अच्छा मुझे ये बताएं वसीम साहब के फौज के लिए कहा जाता है कि भाई बड़ी सख्ती है जी,
तो बड़ी सख्ती वाकई है या सख्ती खुद की जाती है ताकि बंदा सख्त बने? भाई लड़ना है तो सख्त बन के लड़ना है, नरम मिजाज तो काम नहीं आएगी फिर। अभी सख्ती को इन दो मायनों में हम इस्तेमाल करें। एक तो उसे जिस्मानी तौर पर सख्त, सुबह रूटीन 5:30 बजे से दिन स्टार्ट होता है और रात तक उसको नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ करना होता है। भाई जो गया फिर भागना भी नहीं है, भागने की इजाजत नहीं है भाई, जो सिलेक्ट हुआ तो वो उसको ड्यूटी करनी है। जिस्मानी सख्ती और फौज की ड्यूटी में टेंशन बहुत ज्यादा है। आप जवाब दें हर वक्त अपने किए का, अपने मातहतों के किए का, आपको एज ए कमांडर जवाब देना पड़ता है कि क्यों ऐसा गलत। तो वो सख्ती, वो टेंशन में आपको रखती है। और उसके अलावा रूटीन बहुत सख्त है। अच्छा। कि जिसमें कोई गलती की गुंजाइश वो नहीं छोड़ी जाती, सही, सही, वो 100% काम मांगती है। इस पर मजीद बात करते हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू होगी हमारी आपसे, क्योंकि कभी कभार जो है ना वो दिल चाहता है कि फौजियों से भी गुफ्तगू की जाए और फौजी वैसे ही आइडियल होते हैं सबके। तो मिली नगमा सुनवाते हैं आपको, क्या ख्याल है? अच्छा लगे। तसव्वुर जी आपका भी यही ख्याल होगा मेरे ख्याल से, आप पता नहीं कौन से ख्याल होंगे घूम में। नहीं, 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 एक्चुअली कॉल आ रही थी उसको डिस्कनेक्ट करने में लगी। अच्छा अच्छा, चलें जी, उमेमा शहजाद हमारे साथ हैं। जी बेटा, जो वक्त थो है
साहिद वन बुदायूँ जैसे मोटासी तो वहीं बया मौसम में माना जॉइन कंदा। वसीम साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई आपसे, इंशाल्लाह होती रहेगी। और बहुत शुक्रिया तसवर मलिक, आपका भी आप प्रोग्राम में आए। उमेमा शहजाद, आपका भी बहुत शुक्रिया। नंढड़ी साई जो वक्त तो है तुझी वही मेहरबानी, तुम्हारा आज जश्न आज़ादी तक मुबारक हुए, जल्दी मोटी अचूँ तसंदा रहो। सलाम सिंध। सुठो नगमो बुधोसी, मिली नगमो, इस परचम के साए तले हम एक हैं। असान हथन में परचम भी हुआ, पो हाने सिंधी मानू हुजे, पंजाबी हुजे, पठान हुजे, बलोच हुजे, जेको पिया है, जेको पाकिस्तान में रहे तो पो केड़े भी फिरके सा तालुक रखे, केड़े भी मजहब जो मानू हुजे, पाकिस्तान में जेके रहे तो सब असी हिक आयो, असी मुतहद आयो, असानी बदी हुजन घुर्जे, असानो एको हुजन घुर्जे। छो त जने पाकिस्तान जी गाल ईंदी आए त पो वेछा वेसारण घुर्जन, पो पाण सब हिक आयो, पोइ पाण खे मिली करे पाकिस्तान जी खुशहाली पंहिंजी पाकिस्तान जी तरक़ी जे लाइ किरदारु अदा करिणो आहे। सो रोज़ बि असां सां गॾु आहे, रोज़ु संगीत असां कचहरी कंदूं था ऐं उनखां पुछा कयूं था त 14 अगस्त जी सेलिब्रेशन स्कूल में कीअं थींदी आहे, क्या माहौल होता है वैसे आपके स्कूल में 14 अगस्त जश्न आज़ादी के दिन पे?
अभी तो जैसे कोविड की सिचुएशन चल रही है, 2020 से तो बच्चे आ ही नहीं रहे, लेकिन उससे पहले ये होता था कि बच्चे पहले से ही वन मंथ पहले ही बच्चों को बता दिया जाता था कि 14 अगस्त की सेलिब्रेशन हो रही है. सो हर टीचर जो है वो अपना रोल अदा करती थी, टीचर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है. तो कुछ बच्चों को टेबलो पे नेशनल सॉन्ग्स पे, जैसे बच्चे डांस करते हैं, कुछ बच्चे गाते हैं, फिर एक्ट करते हैं, स्पीचेस होती हैं. तो हर टीचर जो है वो डिवोशनली अपना काम अदा करती, जिम्मेदारी बढ़ जाती है. हाँ जी बिल्कुल ऐसी है, पढ़ाना भी है, वो लास्ट के टू डे पीरियड्स होते हैं उसमें बच्चों को ट्रेन भी करना है, सेलेक्ट भी करना है कि क्या क्या पेश करना है, टेबलो करना है, तकारीर करनी है, क्या करना है. वैसे वो लिखती भी टीचर्स खुद ही है मेरे ख्याल जी, बिल्कुल सारा काम उनके जिम्मे होता है. अगर बच्चे भी लिखते हैं तो वो टीचर से चेक होते हैं, टीचर अगर मिस्टेक हो तो करेक्शन करती हैं, फिर इस तरीके से बच्चे स्पीचेस देते हैं. सही सही सही. कोविड की सूरत हाल वैसे 2 साल हो गए, तो अगले साल किस तरह से मनाया था 2020 में, क्योंकि बच्चे नहीं थे तो एज ए टीचर्स ने खुद ही बनाया था. हम लोग को जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, टीचर्स ने स्पीचेस की थी, जैसे मैं उस ग्रुप में थी जिसमें हम लोगों ने सिंगिंग की थी, तो इस तरीके से अलग अलग टीचर्स ने अपना. बच्चों की सेलिब्रेशन बड़ी अच्छी होती है, बड़ी अच्छी होती है, बहुत मतलब प्यार आ जाता है, कभी दिल करता है कि बच्चे बन जाएं दोबारा से. ऐसा होता है बच्चों के साथ, बच्चों को देखते तो होता है कि हम भी ऐसे थे, हम भी ऐसे थे, इसी प्रोसेस से गुजर के. सही सही. या कभी ऐसे भी होता है कि भाई हमारे जमाने में इस तरह से नहीं था, लेकिन आजकल बच्चे माशाल्लाह से बहुत अच्छा सेलिब्रेट करते हैं. इस तरह से भी कभी कभी फीलिंग्स होती है, जरूरी नहीं है कि सबकी सेलिब्रेशन बचपन में अच्छी हुई हो जी. तो इस तरह से होता है, बहुत सारी कमियां रह जाती हैं. नीलम शाह आपने किस तरह से मनाया था बचपन में जश्न आजादी? मेरा बचपन बहुत मजेदार था. मजेदार था ना? क्या करती थी आप? बहुत शरारती करती थी. अच्छा अच्छा अच्छा. और बहुत झंडिया वंडिया लगाती थी. झंडिया. अच्छा, तो इस तरह घर को सजाना, घर को सजाती थी. अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे मोहल्ले को सजा देते हैं. मोहल्ले गलियों को भी. ये घर को सजाती थी और मोहल्ले वाले की झंडी उतार के लेके आ जाती थी. अच्छा अच्छा. तोड़ के लाके फिर बड़ी डांट खाती थी. सही, मतलब बहुत मजे का बचपन गुजरा. सही सही. बहुत जैसे कहते हैं कि बेफिक्रा, बहुत ही मजे का. मतलब सबका ऐसा ही होता है तकरीबन, लेकिन बाज बच्चे होते हैं ना, कुछ एहसास रह जाता है या कोई कमी, ऐसा नहीं हुआ. अच्छा माशाल्लाह, भरपूर भरपूर बचपन गुजरा आपका. तो कब से गा कब से रही है? वैसे बचपन शौक था या अभी? शौक तो बचपन से था, लेकिन मौके नहीं थे, माहौल नहीं था घर का ऐसा. मैं पूरी फैमिली, पूरे खानदान में एक मैं हूँ जो मीडिया में हूँ, बाकी कोई नहीं. तो ये माहौल किस तरह से बना, किस तरह से मुझे बताएं, ताकि जो आजकल की लड़कियां हैं इसके लिए उनके लिए भी राह हमवार हो जाए. बस जब खुद मुख्तार हुए, शादी हुई. अच्छा अच्छा. तो फिर खुद मुख्तारी में आ गए. अच्छा, तो शोहर की इजाजत से. अच्छा अच्छा. इनका हस्बैंड का ज्यादा हाथ है इसमें. जैसे शादी के बाद किस तरह से, अच्छे तरीके से बता रही, शादी के बाद खुद मुख्तारी में आ गए, खुश हो गए ना, हस्बैंड मिल गया तो खुशी में. जैसे घर में भी शादी से पहले भी खुद मुख्तारी थी, लेकिन वो ये वाली नहीं थी कि हम कहीं भी चले जाए. अच्छा अच्छा अच्छा. तो मतलब हस्बैंड अच्छा मिला, साथ अच्छा मिला, तो जीवन साथी वो अगर रोक टोक नहीं करता तो वो फिर बंदा या बंदी जो है आगे निकल जाती, तो ये बहुत अच्छी बात है. अच्छा रजकी भाई, आप बताएं कि माशाल्लाह से कितने सॉन्ग कर चुके हैं, आपसे भी सुनेंगे थोड़ी देर में. जी जरूर जरूर. मैं तकरीबन अभी तक 5-6 सॉन्ग किए हैं. अच्छा. जिसमें से 2-3 मेरे हिट हो गए. कब से आए हुए तकरीबन? अभी ये तो है पाकिस्तानी, मैंने अभी 23 मार्च को रिलीज किया था. अच्छा अच्छा. और एक सॉन्ग शाहीन है, वो मैं आपको अभी सुनाऊंगा इसके, तो अच्छा, वो देखिएगा. वो मैंने तकरीबन आज से 8-7 साल पहले किया था. अच्छा. तो कुछ मेरी मसरूफियात थी, फिर मैं बाहर चला गया. अच्छा. तो इस वजह से टाइम नहीं मिला. मुल्क से बाहर गए थे? मुल्क से बाहर चला. अच्छा, गया था. क्लियर तो बताते चले ना, बाहर चला. मुल्क से बाहर चला गया था. और फिर काफी टाइम बाद मुझे जो है मेरे भाई, मेरे दोस्त बहुत अच्छे जो है सलीम भाई से काफी टाइम से के बाद मुलाकात हुई. अच्छा. तो अब ख्याल आया कि सलीम भाई के साथ प्रोजेक्ट पे सारे काम करूं. वाह वाह. सलीम भाई, भाई हमारी जान है. सलीम जान, सलीम सबकी जान है. सलीम भाई जो है उसके साथ नाम के साथ जान लगा जान इसलिए लिखा. मगर मैं सलीम भाई को एक मशवरा देता हूँ. सलीम भाई भाई जान बोला ना, ये उनको अच्छा लगा या नहीं ये मुझे पता नहीं, मिलेंगे तो पूछूंगा. मिलेंगे तो पूछूंगा. मैंने सलीम भाई को एक मशवरा ये दिया, मैंने कहा सलीम भाई आपने जान आगे लगाया हुआ है तो अपनी जान भी बनाए थोड़ी सी. अच्छा. तो कहते हैं हाँ यार, मैं जो है ना वेट लिफ्टिंग शुरू करूंगा, जान बनाऊंगा. और माशाल्लाह बहुत एक्टिव है हमारे सलीम जान जो है, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस हैं. और तू है पाकिस्तानी जो मेरा सॉन्ग है, इसमें भी काफी हेल्प आउट किया उन्होंने मेरे लिए. सही. और नीलम शाह ने भी काफी हेल्प किया माशाल्लाह. तो आज माशाल्लाह आप हमारे प्रोग्राम में, वैसे तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी हमारी होती रहेगी, कुछ सुना दें अभी.
सुना दे, मिली नगमा सुना दे कोई। चले अभी इतना अच्छा नीलम शाह ने सुनाया, चले एक शाहीन सॉन्ग है मेरा बड़ा अच्छा है। वाह 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 जी वाह। वाह जी वाह क्या कहने क्या कहने। बहुत शुक्रिया नीलम शाह का आप प्रोग्राम में तशरीफ लाई इन सा गडो गड असो दोस्त हुए ढो सुठो गाय वही टिक्की साहब वही साहब बहुत शुक्रिया आपका भी और रोज़ संगीत आपका भी बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई नी साई जो वक्त थो है मोटी अचूँ था जश्न आज़ादी जो मुबारकू तक हुजन वरी मोटंदुस तो वरी भी डींदुस छो तो ये ढी अड़ो आ मुबारकू तक हुजन ऐसा रहो सलाम सिंध। सलाम सिंध में एक बार वरी तक वरी कार चूं था जी वन मेल तक तो जश्न आज़ादी जो मुबारकू अचण मेल भी तक चवान तो जश्न आज़ादी जो खोड़ सारी मुबारकू तक हुए आज़ादी की कदर कीमत उन्होंने जी आज़ाद ना जी बाहर वही ना सकन जिन वट कर्फ्यू लगल है जिन वट तशद थे तो जिन वट बर्बरियत है उनका तहां आज़ादी की गाल पुछा कर उन्हें वीडियो क्लिप्स ऐसो तक खबर पे वी आज़ादी कड़ी नेमत है। शुक्र अलहमदुल्ला अल्लाह सही जो वो असा करम है अल्लाह सही जो वो एहसान है जो पा आज़ाद मुल्क में आयो कड़ो भी है कि पे है पांजो मुल्क है पांजो देश है
आए पाँजी मिट्टी आए शिकायतूँ खोड़ सारियों तक पवंद मुख्य पवंद हुक्मरान में भी शिकायतूँ होंदियों पाँच देश पाँच मिट्टी के कदें कदें पाँच रोजन रोड रस्तन के पाँच सेहत पाँच तालीम के जैसे दिसा तो दिल दुखंदी है पर एकड़ी वही नेमत है आदत होंगी तो पा आज़ाद आयो आज़ादी से घो कुछ कर सकूँ था कम कार निबरी था सो वेलकम बेक का वही तक बुधा तो टपाल की जी दानेदार चाय है वो ढी जबरदस्त है आऊँ पींद तुम पींदा कर खास जी बया सुहा मुल्क उन्हें जैसे पा खास बागीचा जैसे जाचों तो उन्होंने वटा ही वही खास पत्तियों चूंडे कर ये चाय ठहंदी है पत्ती ठहंदी है टपाल दानेदार है पाकिस्तान की आज़ादी की जैसे गाल क्यों तो 1947 में पाकिस्तान आज़ाद थो उन ढी का वही टपाल दानेदार जो आगाज़ थो ढो सुो आगाज़ थो सुो आगाज़ थो अज तई टपाल दानेदार जो जायको है जो चस है जो खुशबू है वह अना तई सागी है सो इन लम्हे असाज प्रोग्राम में जी मोज मेहमान हैं आज़ादी की खुशी के बीणों कर पौता है उन्होंने तारुफ तक कराई तो सब का पैर जो शख्सियत तासा मिलाने वो आया उन्हें तारुफ करने वो आया पा ग्लोबल पीस एम्बेसडर आन खास तौर पर वर्किंग विथ डिफरेंट कल्चर्स मुख्तलिफ़ सकाफती सरगर्मियों भी उन थी रही इन सा गडो गड एक उनकी वेलफेयर भी है सारा वेलफेयर उन्होंने में भी उनो जबरदस्त किरदार है उहे उनके रन कन पे ढो सुो टीचिंग के हवा से भी उनो सिलसिलो जुड़ियल है असान प्रोग्राम में सदाई तर कदें कदें जैं भी इंदून तो ढी सुी कम की कचहरी भी उनकी है सो भलीकार चूं था सिसिलिया जेम्स असा अस्सलाम वालेकुम जी कैसी हैं ठीक हैं आप ठीक ठाक जश्न आज़ादी आपको बहुत बहुत मुबारक आपको भी मुबारक थैंक यू सो मच एसा गड़ो गड पा जी सुबह का वी सवेर का वी पा मिली नगमा बुधूँ था कौमी नगमा बुधूँ था तो नगमन के बुधण से रूह के राहत मिले थी तो इन वक्त भी इन लम्हे पे असा सुठा नगमा बुधाने के लिए असा गड है आयत शेख उनके पा भलीकार चूं था अस्सलाम वालेकुम बेटा बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई इन गडो गड जी बी शख्सियतू आन उन तारुफ भी तक कराई हल्ला हिना हबीबा भी असा गड है सुठो आवाज़ है उनको हिना हबीबा अज मिली नगमा असा बुधाई गडो गडो बो भी सुठो अस आवाज़ है गुलाम मुर्तजिस असा गड है उनके भी वेलकम चूं था बहुत शुक्रिया जी आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए यूट्यूब जो भी अजकल जमानो है एक्टिव जी दोस्त हैं खास तौर पर जिन जहाँ तमाम घना सब्सक्राइबर हैं जिनके तमाम घने चाह शौक से दिखो वे तो मेहनत कहें ते मूँ के दिसन था सो यूट्यूब की दुनिया में या सोशल मीडिया की दुनिया में पोड़ो मुनफरद नाव पोड़ो अलग मकाम रखी शख्सियत भी असा गड है नौजवान है काफ़ी मेहनत करे तो उनके भलीकार चूं था ऐसन शाह असा गड है अस्सलाम वालेकुम ऐसन भाई कैसे ठीक है ठीक सर आप सुना बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए अच्छा सिसिलिया मुझे ये बताएं कि आज़ादी का दिन आप कैसे मनाती हैं सबसे पहले मुझे ये बताएं सबसे आज मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मैं कैसे मनाता लोग कैसे मनाते हैं आजादी का जो एहसास है ना हाँ। उससे तो बड़ी कोई बात नहीं सही अगर हम पूरी दुनिया में देखें या आसपास देखें कि लोग हर तरह की शिकायतें तो खैर खत्म ही नहीं होती कोई भी शिकायतें नहीं खत्म होती लेकिन एक आजाद होना एक बहुत बड़ा गिफ्ट है गिफ्ट ऑफ गॉड देखिए अल्लाह ताला की बहुत बड़ा करम है कि हम आजाद हैं हमारे ऊपर कोई स्लेवरी नहीं है क्योंकि स्लेवरी की जिंदगी में और इस जिंदगी में बड़ा फर्क है बिल्कुल बिल्कुल आप किस तरह आजाद रहते हैं उठते बैठते हैं आपकी अपनी मर्जी है और ये एक बहुत बड़ा एहसास है सही सही मैं आज स्टूडियो में बैठा हूँ मेरी मर्जी है भाई मैं बैठा हूँ यहाँ प्रोग्राम में कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है कोई रोकने वाला नहीं सही बात तो ये आजादी का एहसास एक बहुत बड़ी नेमत है सही सही बात चाहे वो शिकायत तो दुनिया में खत्म ही नहीं होती ठीक है लेकिन एक आजाद होना एक बहुत बड़ी बात है तो सेलिब्रेशन होती है जाहिर है किसी तकरीब में जाती है की तरह, या घर में बैठ के आजादी की तरह वैसे ही खाने याद ही करती है क्या नहीं, आजादी याद नहीं करते बल्कि आज तो सारा दिन तकरीबात नहीं कभी कहीं कभी कहीं क्योंकि मैं क्योंकि पब्लिक में मिठाइयां सही बात मिठाइयां खाई भी बांटी भी अच्छा अच्छा माशाल्लाह ये आजादी होती है ये आजादी की खुशी होती है ये तो एक खुशी का एक अपना चाम है उसको आप यू कैन नॉट कंट्रोल इट खुश हो बेसाख्ता बंदा खुश हो जाता है बेसाख्ता होता है ये बहुत बड़ी बात है ये बहुत बड़ी बात सही 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 तो खास तकरीबात कौन सी होती है कोई ये ज्यादातर तो टीचिंग के हवाले से आप बता लो टीचिंग के हवाले से तो ये है कि जैसे आजकल क्योंकि लॉकडाउन है तो इसमें बच्चों को ऑनलाइन ही कहा गया है कि आप अपने घरों में क्योंकि पब्लिक सिटिंग बंद है ओनली टीचर्स ऑनलाइन मिठाई दिखा दें नहीं नहीं, नहीं मिठाई तो हम बच्चे खुद लेके खा रहे हम लोग ने ये कहा है कि जो बच्चे ज्यादा अच्छा आप अपने क्लिप्स हमें भेजिए अच्छा अच्छा ईद के हवाले 14 अगस्त के हवाले से आप कपड़े पहने
जो भी आप तैयारी करें आप हमें क्लिप भेजें, जिसके जितने बड़े सब्सक्राइबर्स होंगे उनको स्कूल की तरफ से गिफ्ट दिए जाएंगे। वाह वाह, ये बहुत अच्छा तरीका ढूंढा है। हाँ, क्योंकि पब्लिकली हम नहीं कर सकते ना, तो इसलिए बच्चे अपने घरों में रहेंगे, हम अपनी वीडियो अपलोड करेंगे, अपने भी फेसबुक पे डालें, हम अपने स्कूल की आईडीज पे डालेंगे, जिसके जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे उनको क्या मिलेंगे, गिफ्ट मिलेंगे। एक तरह से बच्चे की एक्टिविटी हो जाएगी और बच्चों के दिल में ये जज्बा भी रहेगा। बल्कि बच्चों को ये भी कहना चाहिए कि भाई छोटी सी एक तकरीर रिकॉर्ड करें, बिल्कुल ये तकरीर मिली नगमे जो भी सलाहियत है जो भी सलाहियत है वो रिकॉर्ड करके हमें भेजेंगे। सही सही सही, अप्रोक्सीमेट बहुत सारे बच्चों ने भेज भी दी है और कुछ कह रहे हैं कि हम उस दिन देंगे, तो वो अलाइव दे, वो फिर उनको अलाइव कर लिया जाएगा। सही, सही, सही। उससे देखिए बच्चों में ये जज्बा खत्म नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है ना कि कोविड-19 तो की वजह से वही बात हो जाएगी ना, जैसे पहले अगर माजी करीब की बात करें तो मैगजीन आते थे बच्चों के, तो उसमें तस्वीर वस्वीर लगती थी तो बच्चे खुश हो जाते, बच्चे खुश होते। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो हर दौर की क्लिप आ जाएगी तो बच्चा खुश हो, बिल्कुल हर दौर की एक अपनी नीड है। सही बात है, सही। तो जैसे कोविड ने सबको क्लोज कर दिया है तो जान भी बचानी बड़ी जरूरी है। सही 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 सही, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एहसन भाई आप क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं जश्न आज़ादी के हवाले से, कोई कुछ बनाया, कोई रिकॉर्डिंग वगैरह की यूट्यूब पे, क्या हुआ? एक शॉर्ट फिल्म की है अभी। अच्छा, सॉन्ग्स चल रहे हैं, गाने 14 अगस्त के। अच्छा अच्छा था जी, बिल्कुल। कितने गाने आ गए मार्केट में? हमारे 3-4 गाने आ गए। वाह वाह वाह, क्या कल भी शूट है। ये गुलूकार भी बड़े मसरूफ होते हैं जी, बिल्कुल। ये आजादी के दिनों में ये एक जज्बा होता है 14 अगस्त के गाने करने का। तो सही सही सही। वैसे कोई शॉर्ट फिल्म वो बन गई या रिलीज हो गई या आने वाली है, क्या है? अभी एडिट पे चली गई है, 12 अगस्त को रिलीज हो जाएगा। अजहर भाई बता रहे थे बड़ा अच्छा यूट्यूब आपका रन हो रहा है, तो कब से ये ख्याल आया और किस तरह से आया, थोड़ा सा बता दें, नौजवानों को भी बता दें भाई यूट्यूब पे आ जाएं भाई, आजकल वहाँ से इनकम भी जनरेट होती है। जी बिल्कुल, हर बंदा यूट्यूब पे लगा हुआ है। तो बस एक अपनी एक सोच जज्बा था कि एक माशरे के ऊपर हम ज्यादा जो शॉर्ट फिल्में करते हैं ना, एक माशरे और सोशल पे करते हैं। अच्छा, ताकि हमारे आसपास क्या हो रहा है। सही 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 जी, उस पर एक वर्क बहुत अच्छा जा रहा है हमारा, अच्छे व्यूज मिल जाते हैं, बहुत अच्छा लोग शेयरिंग मेरी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो हमारा एक होता भी एक मकसद होता है एक मैसेज का। अच्छा अच्छा जी, लोगों को भी बहुत काम की बात कमी यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे होती है, अगर काम की बात रिकॉर्ड करके आप किसी को कहाँ तक पहुँचा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कोई मतलब फीडबैक अच्छा आ रहा है, कोई कहता है कि भाई अच्छा भाई क्या क्या यार क्या मैसेज है आपका? नहीं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जैसे कि फेक लोग होते हैं सोशल पे, इस तरह से हम एक उनको दिखाते हैं कि ये चीज़ चल रही है, ये नहीं चल रही, इस तरह से जो कि सोशल पे फेक लोग लोगों को गाइड करते हैं फेक तरह, इस तरह से। अच्छा, जॉब शोबिज इस तरह से ATC। चले जी, मिली नगमा सुनने को दिल कर रहा है, आपका भी यही ख्याल है? तो एक अच्छा सा मिली नगमा सुनते हैं। आयत शेख साहब हमारे साथ हैं, आयत शेख का एक मिली नगमा बताऊंगा। Thank you.
जी वाह, हमारा परचम ये प्यारा परचम असो यो प्यारो परचम सदाई सरबुलंद हो माना इन जो हवा में जी लहरूँ तो इं फड़क रहे पान पे इन परचम की निगरानी क्यों पा इन परचम की जाए में पा सभी गड रहूँ तो अगर बेहतर नंढी साई जो वक्त थो है 14 अगस्त जो ऐसी जश्न आज़ादी जो मुबारक मोटी अची भी ींदुस तक हाँ भी जहाँ तो ऐसा रहो सलाम सिंध। जी सलाम सिंध में एक भेरों वरी तांके भलीकार चाहूँ था जश्न आज़ादी जो एक भेरों वरी तांके मुबारकूँ हुजनि जेसीं ताईं आउं टीवी ते तव्हांखे नज़र ईंदुसि तव्हांखे मुबारकूँ ॾींदो रहंदुसि छो त हीअ आज़ादी जी ॻाल्हि आहे या का वॾी ईअं खणी चऊं त हिकिड़ी सेलिब्रेशन जेका पाण कयूं था इहा वॾे में वॾी ॻाल्हि आहे इन जे करे आउं चवां थो तव्हांखे आज़ादी जी मुबारक हुजनि। टपाल दानेदार जेकॾहिं तव्हां गॾु तव्हां वटि आहे पती मौजूदु आहे त चांहि ॾाढी ज़बरदस्त रहंदी आहे, चांहि पी वठो असांजो प्रोग्राम ॾिसंदो, आज़ादी जी जेका ख़ुशी आहे उहा ॿीणी थी वेंदी। सो हाणे पाण वरी मौज में वञण सां कचहरी कयूं था सिसिलिया सां गॾु आहे। सिसिलिया बहुत सारे कल्चर की बात हो रही थी आपके इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि पाकिस्तानी कल्चर को किस तरह से देखती हैं, दूसरे कल्चर भी आपने देखे। देखिए मैं तो क्योंकि नेशनल इंटरनेशनली काम करते हूं, जी हमारे तमाम कल्चर में एक बात कॉमन है, हाँ दे लव ईच अदर। हाँ कोई मेहमान इनके पास जाता है तो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वाह वाह, ठीक है। अगर मैं हमारे जो चारों सूबे के अलग अलग कल्चर है उनमें जो मुझे जो चीज अच्छी लगी द लव रिस्पेक्ट, सही ये हमारे कल्चर में कॉमन है। सही सही। फिर ये है कि जो चीज ज्यादा खतरनाक है ना, जिनमें अगर बलोची हो गए, पठान हो गए और पंजाबी हो गए, ये तीन कौमें ऐसी हैं आपके लिए जान दे भी देते। अच्छा अच्छा। और अगर गुस्सा आ जाए तो जान ले भी ले। भाई जबान के पक्के होते हैं, जबान के पक्के कह लिया तो हो जाएगा, कह लिया तो हो गया। मतलब अभी भी लोग हाले इतने एजुकेटेड हो गए नहीं, वैसे अब शऊर आ गया है, शऊर आ गया, बट स्टिल दे हैव अ वडेरा सिस्टम एंड स्टिल सेम माइंड। वो पब्लिक मीडिया पे आपसे कहेंगे सही, दे आर एजुकेटेड, सारी ह्यूमैनिटीज की बातें करेंगे सही, बट द बेस वो स्टैंड देयर, उनकी जो बेस है ना वो उसी को फोकस करती है। असल में ये हमारे कस्टम का हिस्सा है। अगर मैं भी अपनी जगह पे हूं बात बिगड़ जाती है तो वो आ जाती है, वो बात कि भाई मैं बलोच हूं, मैं ये हूं, मैं भी देखिए मैं अपनी जगह जिस सीट पे हूं तो मुझे अपनी सीट के हिसाब से आई हैव टू पे, सही सही सही, क्योंकि ये मजबूर हो जाता है इंसान ना, कुछ बाजू का था ऐसा ना चाहते हुए भी हमें करना पड़ता है। सही सही सही। मतलब जितनी मोहब्बत कर सकते हैं उतनी कोशिश तो करें कि अल्लाह ताला ने हमें इसलिए पैदा किया है कि हम एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें, जी और जीने दो, ये जिंदगी प्लेंटी गुजरे, ये जो आसपास नफरतें से खत्म करें। चलो एक तो मेहमान नवाजी आपने बताया, और क्या अच्छा लगता है सिंधी बलोची पंजाबी मतलब पठानों में? हां बहुत अच्छे हैं, खाने पे खाने पीने के शौकीन बहुत कौन अच्छा अच्छा और डिफरेंट डिशेस जो एक कॉन्टिनेंटल डिशेस तो है दैट समथिंग एल्स, लेकिन जो हमारी ट्रेडिशनल डिशे हैं जैसे बकरे में आप बिरयानी बनाते हो आर टू लवली, ठीक है, उनका मुगली कोरमा है, पानी आ गया क्या कहने यार। तो उनकी जो स्पेशल डिशेज है ना बड़ी सिंपल इस तरीके से, ऐसा नहीं हमारे कराची वालों की तरह सिंधी बिरयानी खाइए आप। हाँ सिंधी देखिए बिरयानी के अलग अलग टेस्ट है, सिंधी बिरयानी है, अगर बलोचिस्तान की बिरयानी है वो भी बिरयानी है, लेकिन इट्स डिफरेंट टेस्ट, टोटली डिफरेंट टेस्ट। फिर आप मतलब कॉन्टिनेंट डिशेज को भूल जाते हैं अगर आप इनको टेस्ट करते हो, ठीक है। तो ये मैं कहूंगी कि हमारे जर्गे के फूड बहुत अच्छे हैं, हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छे हैं, जो हम जंक फूड खाते हैं कहीं गुना बेहतर। सही सही। और हमारी ड्रेसेस में जो अट्रैक्शन है, ड्रेसेस में जो अट्रैक्शन है, एग्जैक्टली क्या ड्रेसेस में तो आप खत्म ही कर देना, उसमें एक लाइफ है। हमारे अगर सिंध के ड्रेस उठा लीजिए उनमें एक लाइफ है, द कलर्स आर लाइफ, सिंबल ऑफ लाइफ। सही सही सही। कलर्स हमें जिंदगी देते हैं। अब देखिए आपका स्टूडियो कितना अच्छा सजा है, वो वॉल देख लीजिए फुल ऑफ showing the culture of Sindh। सही सही बिल्कुल। इसी तरह बलोचिस्तान की भी एक अपनी सकाफत है, पंजाबी की अपनी कलर्स हमें जिंदगी देते हैं। सही सही सही। देखिए कोई भी खूबसूरत कलर होगा हमें अट्रैक्ट करे और हमारे दिल दिमाग को रोशन करे, हम आजादी रहे। आमीन आमीन। माशाल्लाह। और हमारे साथ एहसन शाह भी हैं, तो साथ साथ हिना हबीबा भी हैं और गुलाम मुर्तजिस भी हैं। आप दोनों का कोई अच्छा सा सॉन्ग आया है मेरे ख्याल से मार्केट में, कब से आया ये सुनने को आ रहा है कि बहुत अच्छा जा रहा है? वैसे व्यूज अच्छे आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं और ये
दो वीक्स हो गए तकरीबन से रिलीज हुए। तो ये कौन कंपोजिशन किसकी है, म्यूजिक कौन दे रहा है? ये कंपोजिशन मेरी खुद की है। अच्छा अच्छा जी। और इसका म्यूजिक दिया है नदीम इकबाल ने। अच्छा अच्छा अच्छा। और लिरिक्स हैं इसके राणा तनवीर। माशाल्लाह है ना, आप पहली मरतबा गा रही हैं इसमें, इससे पहले भी कोई सॉन्ग आपके आ चुके हैं मार्केट? नहीं, मेरे माशाल्लाह मार्केट में पहले भी 4 सॉन्ग आ चुके हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा। माशाल्लाह, ये ड्यूट का ख्याल कैसे है, किसी ने मशवरा दिया कि ड्यूट करके देखें? नहीं, मैंने कहा इस बार ड्यूट कर लेते हैं। ये हमें काम करते हुए साथ एक ही प्रोडक्शन में अच्छा अच्छा काफी टाइम हो गया। अच्छा, तो मेरी कंपोजिशन माशाल्लाह इन्होंने काफी सारी गाई। अच्छा अच्छा। तो इस बार इन्होंने कहा कि हम चेंज हो जाए। चले वो जो जिस नगमे की बात हो रही है, तो ये सुन क्यों ना ले, क्या ख्याल है? तो ये सुना दें जी। तेरी गुफ्तार में था दम, तेरे किरदार में था दम, तेरी ललकार में था दम, तेरी जलगार में था दम। ऐ कायदे आज़म, ऐ कायदे आज़म, ऐ कायदे आज़म, ऐ कायदे आज़म। जब जब परचम
का खून दौड़ाएंगे, शैरग का खून दौड़ाएंगे, कायद को भूल पाएंगे। वाह जी वाह हिना हबीबा, माशाल्लाह आपकी आवाज़ तो बड़ी प्यारी है, मुझे सुन के अच्छा लगा। और गुलाम मुर्तजा आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा मुर्तजस। हाँ थोड़ा सा नाम डिफरेंट है ना, थोड़ी सी दो चार मरतबा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो बहुत शुक्रिया, वैसे बहुत अच्छा सॉन्ग था मिली ने, बहुत अच्छा सुन के बहुत अच्छा मज़ा आया। और साथ में एहसन शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे। और सिसिलिया आपका नाम तो बहुत प्यारा है वैसे ही, तो सिसिलिया जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। इन्हीं असान जो को प्रोग्राम जिसने आज़ादी जो खास प्रोग्राम स्पेशली का ट्रांसमिशन तरह से पहुँचाई सी वह पूरी थी। उम्मीद है तक अड़ो को प्रोग्राम वणो हों पसंद आयो हों, कोशिश कई सी पाकिस्तान के भेटा देने के लिए, डेडिकेशन देने के लिए अड़ो को प्रोग्राम तरतीब दिनों से अड़ो के प्रोग्राम के तह तई पहुँचने में असा तावन फरमायो टपाल दानेदार वन, टपाल दानेदार वन की वही मेहरबानी जी असा लागी तो अड़ो के प्रोग्राम में साथ निभाई रहा। टपाल मेज़बान के बारे में तक बुधा तो जी 1947 में पाकिस्तान आज़ाद थो उन डी का वही कर टपाल दानेदार जो वही आगाज थो। सो जी भी दुनिया जहाँ खूबसूरत बाग हैं उन बागन जो पत्ती वाला जी बाग हैं उतना खूबसूरत पत्तियों चूंडे करे ये पत्ती ठहंदी है टपाल दानेदार की। टपाल दानेदार वालों चवण है आज़ादी हुए आज़ादी के मज़े में जैसे गर टपाल दानेदार न हो गाल मिड़ी ठही को। सो अजोके ता टपाल दानेदार जरूर पीएंदा कर, बल्कि हूँ भी पीएंदा कर, पर खुशी के मौके से टपाल दानेदार जरूर हुए घुर्जे। तो तुम ख्याल है मुझे भी यो ख्याल है, आऊँ भी इन प्रोग्राम का कप चाय जो पीएस जहाँ चाय होंगी टपाल दानेदार जो एक कप तो आऊँ पी चुको आया, बल्कि बटे कप पी चुको आया, तुम नोट फरमाया होंद इन कर चोरी पकड़ी पवी बटे कप बुधा छा तो पपा तो पी छी बटे कप पी छा। सो टपाल दानेदार वन जो यो चवण है तो जी हर पाकिस्तानी जो दिल है धड़कन है या हर पाकिस्तानी जो टेस्ट है जायको है वो जी चाहिंदो आहे उन चाहिण के मद्देनज़र रखी करे उन जायके के मद्देनज़र रखी करे टपाल दानेदार वारन ये पत्ती मार्केट में मुतारिफ़ कराई है। टपाल दानेदार हर किस्म के हर रंग के हर जायके के महसूस कंदे एकड़ो भरपूर किस्म जो जायको भरपूर किस्म की खुशबू इन में विधी है 1947 का वी हेल तई इन जायको घट न थो खुशबू हूँ भी पकड़ी वी जिते भी यह चाय ठहंदी है। सो पाकिस्तान जो नंबर वन जैसे पा ब्रांड क्यों जो नेशनल टी इन चूं पा तेरें भी इन गाल में को भी वाधा नो छो तो चाय जो जी चाहींदड़ उन सभी जो अंदाज निरालो हों अड़े ही निराले अंदाज में हे चाय भी हे पत्ती भी मार्केट में मौजूद है। इन कर चवे नंबर वन टी कंपनी असाजी जी नेशनल टी आ है वह है टपाल दानेदार। टपाल दानेदार वन एक भेर वरी अस थोराता हूँ जिन अस प्रोग्राम में अज असा सा सहकार कर अजो को प्रोग्राम इतने पूरा थे तो अजो के प्रोग्राम की आखिर में वरी भी यो चुस त असि खुश नसीब आयो असी भागवंत आयो असी तमाम घना आसूदा इन सेंस में आयो भली असा वटे नाणो न हो भली असा वटे मिल्कियत न हो भली असा वटे परेशानियों भी होजन तें हूँ पे ये जी परेशानियों ये सब आर्जी हैं दुखन पुठा सुख अची वा। सो इन्हें सुखन की तलाश में पा पाकिस्तान में रहूँ था यह भी ढी सुी गाल है आज़ाद रहूँ था यह भी सुी गाल है आज़ादी से तुम का भी जॉब कर सोता एक जॉब में बी जॉब में किथे वही सोता एक शहर का बी शहर बे शहर में कड़ी भी जगह से कड़े भी हंध कड़े भी टाइम से वही सोता। सो सभी के यह आज़ादी मुबारक हो अल सही तक इन आज़ादी से ही रखे इंदड़ नसुल भी असो आज़ाद हुए पर एक गाल गुजारिश क्या तो ईमानदारी से सिंसियरिटी से सच्चाई से मुल्क से तुम जैसे रहंद तो अना ही मुल्क सुबारो थो मजबूत थो तभी के इन मुल्क जहा जी भी हुकुमरान हैं उन्होंने भी साथ दियण है इनशाला दुख जो गणियों घटी वेंद इनशाला एक ऐसा जो पाकिस्तान है जो पा दुख की गाल क्यों था बिजली ना गैस ना पानी ना रोड रस्ता अलह जो ये समूरा दुख मिटी वा बस एक उम्मीद है साथ तुम खे तैं भी मकाम से आयो जै भी जगह से आयो बस किरदार सुने नमूने से निभाओ। आखिर में अस जश्न आज़ादी जो केक कटींदी केक भी इंतजार में है असी वरी केक के इंतजार में आयो। सो हाँ प्रोग्राम पूरा क्यों था केक कटींदी जश्न आज़ादी जो तभी के जश्न आज़ादी जो खोड़ सारी वादाई हुए इर्शाद जागीरानी तक मोकलाए तो हयाती बखैर वरी बे प्रोग्राम में तुम मुलाकात थी तेस तीन ख्याल रखो पाकिस्तान जिंदाबाद।